जय जगन्नाथ सर, जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, प्रारंभम कुर्मः। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यं विचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां मृजति पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या चोर्पणख्या प्रियविरहरुषारोपितभ्रूवृजिम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहन कोसलेन्द्रोऽवतान्नः त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनो कोसलेन्द्रोऽवतान्नः। आज इग्नू की ऑनलाइन कक्षा का यह छठा दिन है। हम लोग छठे क्लास में उपस्थित हैं। आज सबके लिए महादिन है, सुदिन है, महामुहूर्त है। हिंदू धर्म के लिए जो भगवान राम की प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है, सबको उसकी बधाई। हमारे आदरणीय डॉक्टर पंकज तिवारी जी समय से उपस्थित हो गए हैं, आप लोग भी आ गए हैं। सबका स्वागत करते हुए, विलंब न करते हुए, हम यहीं पर आदरणीय तिवारी जी को कक्षा समर्पित करते हैं, निवेदन करते हैं, वे प्रारंभ करें। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। जय जगन्नाथ सर। पिछले क्लास में हम लोगों ने पुरुष सिद्धि तक पढ़ा था। पुरुष हमने पांच कारणों से सिद्ध करके बताया था कि संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्ते। इन पांच कारणों से सांख्य दर्शन में पुरुष की सिद्धि की गई है, यानी पुरुष की सिद्धि होती है। पुरुष की जब हम व्युत्पत्ति करते हैं तो आता है पुरी सेते इति पुरुषः। पुरी यानी शरीरे, सेते इति पुरुषः। यद्यपि पुरुष व्यापक है, लेकिन सांख्य दर्शन ने पुरुष को अनेक रूप में स्वीकार किया, अनेक प्रकार माना है, यानी उस पुरुष के अनेक भेद होते हैं। यानी तत्तद जीव में पुरुष अनेक होता है। यद्यपि ये सांख्य दर्शन का सिद्धांत है, इसलिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि बताएंगे कि जो सांख्य दर्शन में चर्चा नहीं किया गया है, उन पक्षों को भी हम थोड़ा सा उठाने का प्रयास करेंगे। कहा कि पुरुष अनेक क्यों है, इसके लिए जो सांख्य सूत्र मिलता है वो है पुरुष बहुत्तम व्यवस्थातः। यहां व्यवस्थातः जो शब्द है वो व्याख्या योग्य है, यानी व्यवस्था बनाने के लिए पुरुष की अनेकत्व है। यहां भी जो कारिका दी गई है, उस कारिका के माध्यम से, जिस कारिका के माध्यम से पुरुष की अनेकत्व की सिद्धि की जा रही है, यद्यपि उन कारणों से, तीन कारणों से पुरुष की अनेकत्व की हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो कारण पुरुष में कथम अपि घटित नहीं होते। अगर पुरुष में वो कारण घटित ही नहीं होते तो उनसे अनेकत्व की सिद्धि शास्त्रकार ने कैसे किया। यद्यपि उनकी व्यवस्था है जिसके अनुसार वो करते हैं। कहा कि जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययात् चैव। तीन कारण है। कहा कि अस्मिन् जगति, इस जगत में पुरुषः बहु पुरुषः,
या पुरुषस्य बहुत्वं वर्तते, यानी इस संसार में पुरुष बहुत्व है, यानी आत्मा अनेक है। कहा क्यों? जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात्। दूसरा, पुरुष बहुत्वम अयुगपत प्रवृत्ते है। और तीसरा, पुरुष बहुत्वम त्रैगुण्य विपर्ययात्। इन तीन कारणों से पुरुष की अनेकता सिद्ध करते हैं। पहला कारण हम देखते हैं, पहला कारण है अस्मिन् जगति पुरुष बहुत्वम, पुरुषस्य बहुत्वम, मन पुरुष अनेक है, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात। पहले हम जन्म जन्म पे विचार करते हैं कि जन्म क्या है। कहा कि काय विशिष्टाभिः इंद्रियादिभिः, इंद्रियादिभिः काय विशिष्ट इंद्रिय विशिष्ट का इंद्रिय विशिष्ट इंद्रिय विशेष काय विशिष्टाभिः चेतनस्य अपूर्व संबंधः अभिसंबंधः जन्म। कहा कि इस शरीर विशेष से जो इंद्रियों से युक्त है, ऐसे शरीर विशेष से जब चेतन का अभिसंबंध होता है उसको हम जन्म कहते हैं। और संयोग को वियोग कर देंगे तो मरण हो जाएगा। कहा कि जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात। करण का मतलब होता है इंद्रिय, और प्रतिनियम का मतलब होता है करणों का जो व्यवहार है उसको देख करके प्रतीत होता है कि पुरुष बहुत्व है। कहा कि इसके लिए वो उदाहरण क्या देते हैं। कहा कि यदि इस जगत में पुरुष को एक माने तब तो एक के जन्म होने पर सबका जन्म हो, एक के मृत्यु होने पर सबकी मृत्यु हो, एक के करण विकल होने पर, यानी कोई काना हो गया कोई अंधा हो गया तो दुनिया के सारे लोग काने हो जाएं, अंधे हो जाएं, यानी एक का किसी एक व्यक्ति की इंद्रिय अगर खराब हो तो विश्व के सभी लोगों की इंद्रिय खराब हो जानी चाहिए अगर पुरुष एक मानेंगे तो। इसलिए इस व्यवस्था को बनाने के लिए पुरुष एक नहीं हो सकता, वो अनेक है। कहा कि दूसरा कारण क्यों, दूसरा कारण बताते हैं, अयुगपत प्रवृत्ति है। कहा कि इस संसार में देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक समय प्रवृत्ति नहीं होती, यानी दुनिया के सारे लोगों की प्रवृत्ति एक समय नहीं होती। अयुगपत माने एक समय न होना, युगपत माने एक समय। अयुगपत यानी कोई पूर्व दिशा में जाता है, कोई पश्चिम दिशा में जाता है, किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को चावल अच्छा लगता है। अगर पुरुष एक होता तो सबकी प्रवृत्ति एक जैसी होती। अगर पुरुष एक होता तो सब रोटी खा रहे हैं तो रोटी ही सबको अच्छी लगती, चावल खा रहे हैं तो चावल ही अच्छी लगती। इससे प्रतीत होता है कि पुरुष एक नहीं है, यानी पुरुष की अनेकत्व है। कहा कि तीसरा कारण बताया कि पुरुष अनेक इसलिए भी है क्योंकि तीनों गुणों का विपर्य है। विपर्य यानी सत्वगुण जब रहता है, कोई सात्विक दिखता है, कोई राजसिक दिखता है, कोई तामसिक दिखता है। अगर पुरुष एक होता तब या तो सभी सात्विक दिखते, या तो सभी राजसिक दिखते, या तो सभी तामसिक दिखते। इसलिए भी पुरुष अनेक है, एक नहीं, एक नहीं है। कहा कि इस पर थोड़ा सा अलग हट करके हम विचार करते हैं। कहा कि पुरुष को अनेक मान रहा है सांख्य शास्त्र, इसलिए हमको मानना चाहिए। कहा कि थोड़ा सा हम अलग दृष्टि रख करके इस पर विचार करते हैं। कहा कि अगर पुरुष अनेक है तो पुरुष का जन्म होता नहीं है। कहा कि जनन मरण और करण से विमुक्त है पुरुष, ऐसा माना जाता है। पुरुष कैसा है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। तो नित्य शुद्ध
बुद्ध मुक्त है यानी उसका नित्य है, इसका मतलब जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, कारण नहीं है। तो फिर इन कारणों से पुरुष को सांख्य दर्शन अनेक कैसे सिद्ध कर पा रहा है? कहा कि पुरुष व्यापक है, विभू है, इसलिए प्रवृत्ति तो अव्यापक वस्तुओं में होती है। व्यापक वस्तु के लिए तो कहीं स्थान अवकाश है नहीं जिसके कारण वो प्रवृत्त हो या उसकी प्रवृत्ति हो, इसलिए पुरुष में प्रवृत्ति या निवृत्ति की कोई चर्चा नहीं कर सकते आप, क्योंकि कारण वैसा होना चाहिए जो उसमें घटित हो और ये कारण घटित नहीं हो रहा है। कहा कि त्रैगुण्य विपर्ययात, कहा कि तीनों गुणों से विपरीत है ये, तो तब हम मानेंगे तीनों गुणों का विपर्यय है उसमें, ये तब मानेंगे। सत्व गुण और रजोगुण तमोगुण का हम उदाहरण दे करके शास्त्रकार ने बताया, तो वो तब मानेंगे जब तीनों गुणों का कुछ लेना देना हो, वो तो निर्गुण है। इसलिए यहां ये चर्चा जरूर की गई कि पुरुष अनेक है, लेकिन ये विचार करने योग्य है कि दो अवस्था हम मान सकते हैं जो वेदांत दर्शन में इसको लेकर के और वेदांत दर्शन सत्ता के रूप में स्वीकार किया या पुरुष को ब्रह्म को अनेक रूप में सिद्ध किया कि एको हम बहुश्याम। ये जो वेदांत का वाक्य है कि मैं एक ही हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी जो कल्पना है उस तरह की कल्पना यहां करनी चाहिए कि अज्ञान के अवस्था में पुरुष अनेक है, यानी जो हम लोग अज्ञान ज्ञान जब तक नहीं हुआ है तब तक पुरुष एक है। इसका समाधान योग दर्शन में मिलता है कि जब चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो पुरुष एक ही है, अनेक नहीं है, जबकि जब चित्त के वृत्तियों का निरोध नहीं होता तो पुरुष अनेक है। एक लौकिक उदाहरण आपको दे करके बताता हूं। किसी शोरूम में हम गए, अकेले गए हैं और उसमें 50 मिरर लगे हैं शोरूम में, हम एक ही हैं लेकिन 50 दिखते हैं। उसी तरह पुरुष प्रातिबिंबिक रूप से अनेक होता है और उस प्रातिबिंबिक रूप वाले पुरुष ही अनेक है, वास्तविक पुरुष अनेक नहीं। यद्यपि यहां चर्चा की गई है कि पुरुष अनेक है, इसलिए सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष अनेक ही स्वीकार करना चाहिए। इसका समाधान सांख्य दर्शन में सांख्य प्रवचन भाष्य में थोड़ा सा करके दिया गया है, प्रातिबिंबिक पुरुष की कल्पना की गई है, जबकि और सांख्य कारिका में इस तरह की चर्चा नहीं है। थोड़ी सी चर्चा थी इसलिए हमने आपको बताया। पुरुष का अब धर्म बता रहे हैं। यद्यपि 15 धर्मों की चर्चा पहले की गई है कि अहेतुमत है, नित्य है, व्यापक है, निर्गुण है, अप्रसव धर्मी है, दो कारिकाओं के माध्यम से हमने किया था शुरू में, लेकिन और भी कुछ धर्म पुरुष के यहां बता रहे हैं। तस्मात् विपर्यया सात सिद्धम साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थ्यम दृष्टित्वम अकर्तृत्व भावस्य। कहा कि लगभग 4-5 धर्म यहां बताए गए हैं। कहा कि पुरुष तीनों गुणों से रहित है, विपरीत है, इसलिए यह साक्षी है। अब साक्षी के दो अर्थ कर सकते हैं। अक्ष कहते हैं इंद्रिय को। कहा कि इंद्रियों से जो संबंध होता है उसको साक्षी कहते हैं, एक तो ये अर्थ करेंगे, और दूसरा अर्थ जो यहां प्रतिपादित किया गया है कि तीनों गुणों से रहित है, यानी राग द्वेष से रहित है, यानी तीनों गुणों से रहित है, इसलिए साक्षी। अस्य पुरुषस्य
साक्षित्वं वर्तते, यानी यह पुरुष जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने भी कार्य हैं, यानी 24 तत्वों का साक्षी है। कहा कि कैवल्यम, केवलस्य भावम कैवल्यम, ये सांख्य दर्शन का परिभाषिक शब्द है, मोक्ष का ही पर्यायवाची है। कैवल्यम यानी केवलस्य भावम, यानी पुरुष केवल हो जाए। कहा कि पुरुष केवल कब होगा, जब मोक्ष प्राप्त होगा। कहा कि मोक्ष सांख्य दर्शन में जो मोक्ष और योग दर्शन में जो मोक्ष स्वीकार करने का तरीका है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन कहता है कि प्रकृति और पुरुष का वियोग होना संयोग मोक्ष है। प्रकृति और पुरुष का वियोग होना, अलग अलग हो जाना, इसीलिए एक भोज वृत्तिकार हुए हैं, यानी योग दर्शन पे भोज वृत्ति, यानी उनके टीका का नाम है राजमार्तंड टीका। उन्होंने एक श्लोक में लिखा है कि पुं प्रकृति वियोगोपि योग इत्युदीरितः। कहा कि प्रकृति और पुरुष का वियोग होना योग है, यानी प्रकृति और पुरुष का वियोग होना ही असंप्रज्ञात समाधि है और वही मोक्ष की अवस्था है। यानी सांख्य दर्शन और योग दर्शन प्रकृति और पुरुष का संयोग होना सृष्टि का कारण है और प्रकृति और पुरुष का वियोग होना मोक्ष का कारण है। तो यह कैवल्य क्या है, यानी पुरुष ये जब समझ जाए कि मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं प्रकृति से भिन्न हूं, अभी तक मैं प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ रहा था, जैसे हम लोग समझते हैं कि यह शरीर ही आत्मा है, तभी तो तरह तरह के पाउडर, क्रीम, साबुन इत्यादि लगा करके तैयार होते हैं। कहा कि हम शरीर को नश्वर मानते ही नहीं है, क्योंकि अज्ञान की अवस्था में शरीर नश्वर है ऐसा प्रतीत होता नहीं है। कहा कि जब कोई मर जाता है, हम शमशान घाट उसका संस्कार करने जाते हैं, वहां खाली समय में जब हम बैठते हैं तो बैठने के समय अनुभव होता है और कहते हैं सबकी यही गति है, लेकिन वहां से आने के बाद तुरंत भूल जाते हैं और अपने आप को तैयार करने लगते हैं। यानी हमको ज्ञान नहीं है, जिसके कारण हम ये मानते हैं कि ये तो हम मानते हैं कि आत्मा को कुछ है, लेकिन फिर भूल जाते हैं और कहते हैं कि यह शरीर ही, यानी शरीर के तीन पार्ट हैं, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर और दूसरा आत्मा, चेतन तत्व। कहा कि चेतन तत्व न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है, क्योंकि आत्मा इन सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से भिन्न है, जो चेतन तत्व है। तभी तो मर जाने के बाद शरीर यही रह जाता है और उसमें से चेतन तत्व निकल जाता है, उसके बाद हम मृत्यु को प्राप्त हो लेते हैं, चेतन तत्व के अलग रहते ही। इसमें बहुत सारी चर्चाएं भी है कि आत्मा स्वर्ग नरक जाता नहीं है, स्थूल शरीर को यही जला दिया जाता है, तो स्वर्ग में कौन जाता है, नरक में कौन जाता है। तो कहा कि स्वर्ग नरक हमारा सूक्ष्म शरीर जाता है, सभी दर्शनों ने सूक्ष्म शरीर की चर्चा की है। उसमें किसी ने 17 मानने का, मैंने 17 मानने का प्रयास किया है, किसी ने 18 मानने का प्रयास किया है, ऐसे ऐसे किसी ने 10 ही माना है। इस तरह सूक्ष्म शरीरों की चर्चा हर दर्शन ने किया। उसके बाद आता है माध्यस्थ्यम, यानी वह मध्यस्थ है। मध्यस्थता वही कर सकता है जो राग द्वेष से विनिर्मुक्त हो। कहा कि राग द्वेष, जैसे मान लीजिए कि हम कोर्ट जाते हैं तो जज को मानते हैं कि न वो वादी के तरफ से है न प्रतिवादी के तरफ से है,
वादी और प्रतिवादी के दोनों के वकील, दोनों केस करने वाला और केस जिस पर हुआ है, दोनों लोग अपना झगड़ा लेकर के किसके पास जाते हैं? उस कहा कि माध्यस्थ जो होता है उसको चेतन होना जरूरी है। अचेतन के साथ साथ वो राग द्वेष माने किसी दूसरे के पक्ष में ना हो, माने न वादी के पक्ष में हो न प्रतिवादी के पक्ष में हो, वही मध्यस्थता किसी भी चीज का कर सकता है। कहा कि यह तीनों गुणों से मुक्त है और इसको कुछ चेतन भी है और कुछ लेना देना नहीं है, ये किसी से किसी से युक्त नहीं होता, किसी से प्रभावित नहीं होता, इसलिए ये मध्यस्थ है। कहा कि चौथा कारण दे रहे हैं, दृष्टित्वम अकर्तृत्व भावश्च। कहा कि यह दृष्टा है। कहा कि सांख्य दर्शन में जो 25 तत्व बताए गए हैं, 25 तत्व में से 24 तत्व प्रकृति से लेकर के और पंच महाभूत तक, ये सारे के सारे तत्व दृश्य हैं, और वह दृश्य हैं इसका मतलब कोई ना कोई दृष्टा है, दृष्टा के बिना दृश्य हो नहीं सकता। तो दृष्टा कौन है? कहा कि 25 तत्व में दृष्टा वही हो सकता है जो चेतन हो, और चेतन सिर्फ एक पुरुष है, और पुरुष है इसलिए उसको दृष्टा कहते हैं। कहा कि अकर्तृत्व भावश्च, अकर्तृत्व भाव है वह न किसी से उत्पन्न होता है, ये हमने तृतीय कारिका में बताई थी, न किसी से उत्पन्न होता है और न किसी को उत्पन्न करता है, इसलिए यह दृष्टा भी है, कर्ता भी है, साक्षी भी है, मध्यस्थ भी है, और कैवल्यम प्रवृत्तेश्च पुरुष की सिद्धि में हमने बताया था ये कैवल्य के लिए यत्न भी करता है। हालांकि आगे चल करके हम बताएंगे कि यह जो कैवल्य है यह इसका केवल प्रातिबिंबिक रूप है, जब मोक्ष का स्वरूप बताएंगे उस समय ये चर्चा आएगी। कहा कि इसके बाद शुरू होता है कि आपके यहां सांख्य दर्शन में पुरुष कुछ करता नहीं है और प्रकृति सब कुछ करती है, और प्रकृति करती है तो चेतन नहीं है, अगर चेतन नहीं है तो अचेतन जो प्रकृति है वह करेगी कैसे, क्योंकि अचेतन में क्रिया होती नहीं है और अचेतन कभी कुछ करने के लिए समर्थ नहीं होती, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि अचेतन कुछ करता नहीं है। कहा कि तस्मात तत्संजोगाद अचेतनम चेतनावदीवलिंग। कहा कि तत्संजोगात पुरुष संजोगात, पुरुष के संजोग होने मात्र से, ये बाद में हम चर्चा करेंगे कि ये संजोग प्रातिबिंबिक है, वास्तविक संजोग नहीं है। कहा कि जिस तरह हम मिरर के सामने खड़ा होते हैं और मिरर भी बोलता हुआ प्रतीत होता है, हालांकि हम बोलते हैं और मिरर में दिखने वाला प्रतिबिंब भी बोलता हुआ प्रतीत होता है, वह अचेतन है फिर भी बोलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पुरुष के सन्निधान मात्र से, पुरुष के समक्ष होने मात्र से यह जो प्रकृति है, अचेतन प्रकृति है, वह चेतनवत हो जाती, चेतन नहीं होती, चेतन के समान हो जाती। जैसे हम लोग मोबाइल लेकर के बैठे हैं, मोबाइल अचेतन है फिर भी यह चेतन के समान हमारा चित्र, हमारा आवाज आप तक पहुंचा रही है। कहा कि तस्मात तत संजोगाद अचेतनम चेतन चेतनावदीव लिंगम, चेतन के समान होती है, चेतन नहीं होती। कहा कि चेतन के समान होना और चेतन होना दोनों अलग अलग चीज है। चेतन जब वस्तु होगा तो वो चेतनत्व तो उसका धर्म हो जाएगा, और चेतन के समान होने का मतलब कि चेतन में जो गुण है, जो धर्म है, वैसा गुण धर्म इसमें भी है। जैसे आप एक साहित्य का उदाहरण लीजिए, साहित्य में प्रायः यह प्रयोग होता है कि चंद्रमा के समान मुख है। कहा कि चंद्रमा के समान मुख है
तो चंद्रमा के मुख पे जो दाग है, जो कलंक है, वैसा कलंक वाली अगर कोई नायिका मिल जाए तो क्या उसको कोई ग्रहण करेगा? कहा कि तब चंद्रमा के समान मुख कैसे कह दिए? कहा कि चंद्रमा के समान मुख होने का मतलब ये है कि चंद्रमा में जो आतप पृथ्वी को शीतत्व और आह्लादकत्व प्रदान करने की का जो गुण है, वैसा गुण इस नायिका में है, वैसी ही शीतलता और आह्लादकत्व हमको दे रही है, इसलिए चंद्रमुखी। कहा कि गुण सादृश्य है, स्वरूप सादृश्य नहीं है चंद्रमुखी कहने। उसी तरह यहां भी है कि सादृश्य माने चेतन के समान होती है, इसका मतलब यह आरोपित धर्म है, उसका अपना धर्म नहीं है। जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो किसी व्यक्ति के बैठने पर ही लिखता है, ऐसा नहीं है कि अपने आप टाइप हो जाए। कहा कि ऐसा नहीं है कि मोबाइल अपने आप किसी को मैसेज भेज देता है, कोई मैसेज भेजता है तभी उस तक पहुंचाता है। कहा कि मोबाइल चेतन के समान है, चेतन नहीं है। कहा कि गुण कर्तृत्व तथा कर्तव्य, कहा कि सब कुछ करती प्रकृति है, लेकिन हमारे आपके जैसे अज्ञानी लोग ये समझते हैं कि सब कुछ पुरुष करता है। कहा पुरुष अधिष्ठाता है, चेतन सबको बनाता है, लेकिन सांख्य दर्शन में पुरुष कुछ करता नहीं। पहले भी हमने बताया है कि न प्रकृति न विकृति पुरुष, पुरुष कैसा है? न प्रकृति है न विकृति है, न कार्य है न किसी का कारण है। इसीलिए कहा कि अचेतन जो प्रकृति है वह चेतन के संयोग में आने से चेतन हो जाती है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो मरने के बाद भी बुद्धि काम करनी चाहिए, ताकि चेतन के संयोग से अगर बुद्धि को चेतन नहीं मानेंगे, प्रकृति को चेतन नहीं मानेंगे, तो व्यक्ति मर जाता है, उसके अंदर मेमोरी कहीं निकल करके नहीं जाती। ताकि मेमोरी रहती है, आंख रहता है, लेकिन देखता नहीं है, क्योंकि चेतन का संबंध उस समय नहीं है। चेतन का संबंध जब तक था तब तक आंख देख रहा था, चेतन का जब तक संबंध था उसकी बुद्धि काम कर रही थी, उसका हाथ पैर काम कर रहा था। कहा कि गुण कर्तित्वेपि तथा कर्तेव, कहा कि गुण का कर्तित्व है, गुण कर्तित्व का मतलब प्रकृति सब कुछ करती है, क्योंकि सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति ही सब कुछ करती है, लेकिन पुरुष में उसका व्यवहार होता है। कहा कि जिस तरह कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध में मारे सैनिक, पाकिस्तानी सैनिकों को मारने वाला कौन था? सैनिक ही थे भारत के। कहा कि भारत के सैनिकों एक दो लोग जो मरे, आतंकवादी आजकल मार रहे हैं, वो मरे किससे? पाकिस्तानी सैनिकों से, लेकिन विजय किसका हुआ? तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। कहा कि जिस तरह हमारे इस समय समाज में व्यवस्था है कि सबको कुछ न कुछ अनाज, कुछ न कुछ पैसा सरकार दे रही है, बीपीएल एपीएल कार्ड मान करके दे रही है। कहा कि सरकार के पास कोई फैक्ट्री नहीं है अनाज देने की, वो हमसे आपसे ही लेती है और हमको आपको ही देती है, तो लेकिन हम क्या कहते हैं कि नवीन सरकार कितना अनाज बांट रही है, लोगों को सुविधा दे रही है। कहा कि इसलिए हमारा ही चीज हमको दे रही है, वो कुछ अलग नहीं कर रही है, लेकिन नाम उसका हो रहा है। कहा कि उसी तरह करती सब प्रकृति है, लेकिन स्वामी चूंकि पुरुष है, इसलिए पुरुष में उसका व्यवहार होता है, वस्तुतः पुरुष कुछ करता नहीं। कहा कि इसके बाद सृष्टि प्रक्रिया का आरंभ होता है सांख्य दर्शन में। कहा कि सृष्टि प्रक्रिया से पहले, कहा कि सृष्टि प्रक्रिया होने से पहले उसकी अवतरणिका बता रहे हैं कि आखिर सृष्टि होती कैसे।
कहा कि पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगुबंधवद्भयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। कहा कि पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है। कहा कि प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है। कहा कि संयोगस्तत्कृतः सर्गः माने प्रकृति पुरुष संयोग कृतः सर्गः, यह जो सृष्टि है वह प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होती। कहा कि संयोग कैसा है, यहां भी ध्यान रखिएगा, यह प्रातिबिंबिक संयोग है, वास्तविक संयोग नहीं है। कहा कि वास्तविक संयोग नहीं होता, सांख्य दर्शन में वास्तविक संयोग होने पर वियोग नहीं होगा, और वियोग नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। कहा कि यह संयोग कैसा है, कहा कि पंगु बंधवद्भयोरपि, कहा कि पंगु यानी पुरुष, पंगु मने विकलांग, कहा कि पंगु बिना पैर वाला है मने बिना क्रिया वाला है पुरुष, पुरुष के अंदर कोई क्रिया नहीं है। कहा कि अंध कौन है, प्रकृति अचेतन है इसलिए प्रकृति अंधी है, यानी वो उसमें देखने की क्षमता नहीं है। कहा कि जिस तरह किसी रोड को पार करना है, माने रोड के इस पार से उस पार जाना है, एक अंधा व्यक्ति है, या मान लीजिए कि जगन्नाथ मंदिर जाना है, जगन्नाथ मंदिर जाने के लिए एक अंधा है, एक लंगड़ा है, कहा कि एक चल नहीं सकता, एक देख नहीं सकता, तो फिर दोनों जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगे कैसे। कहा कि अंधा व्यक्ति कहा लंगड़े को कि हमारे कंधे पे बैठ जाओ और बैठ करके तुम रास्ता बताते रहो और हम चलते रहेंगे। कहा कि जिसमें देखने की क्षमता नहीं है लेकिन चलने की क्षमता है, प्रकृति में क्रिया है, और पुरुष में क्रिया नहीं है लेकिन देखने की क्षमता है, तो प्रकृति के कंधे पे बैठ गया पुरुष और बैठ करके यानी वो जगन्नाथ मंदिर पहुंच गया। कहा कि देखिए यहां तो आपने मंदिर का उदाहरण देकर के बता दिया, लेकिन यहां पुरुष का तो अपना कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए, प्रकृति का भी कुछ ना कुछ प्रयोजन होना चाहिए, बिना प्रयोजन का संयोग होगा नहीं। कहा कि प्रयोजन भी ऊपर बताए हैं, पुरुषस्य कैवल्यार्थम, पुरुष चाहता है कि मुझे कैवल्य की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, और प्रधानस्य दर्शनार्थम, और प्रकृति चाहती है कि पुरुष मुझे एक बार देख ले। एक बार पुरुष प्रकृति को देख लेता है, पुरुष प्रकृति पुनः पुरुष के समक्ष उपस्थित नहीं होती, पुरुष के समक्ष उपस्थित नहीं होती यानी भोग का संपादन पुनः नहीं करती, और नहीं करती तो पुरुष अलग हो जाता है और प्रकृति अलग हो जाता है। प्रकृति पुरुष के समक्ष उपस्थित हो जाएगी तो वो जान जाएगा कि यह जो प्रकृति है आज तक हमको इधर उधर भटका रही थी, लेकिन मैं प्रकृति से भिन्न हूं और प्रकृति मुझसे भिन्न है, इसलिए यह पंगु अंधवद्दुभयोरपि माने पंगु और अंध के समान जिस तरह लोक व्यवहार में विकलांग माने लंगड़ा और अंधा व्यक्ति का संयोग हो जाता है, परिचित दोनों पहले से नहीं है लेकिन फिर भी संयोग हो जाता है, उसी तरह यहां भी प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है और उससे सृष्टि होती है। कहा कि सृष्टि के लिए बताया, एक सामान्य कारिका है उसको आप याद रखेंगे, सृष्टि की प्रक्रिया आपको पूरी याद रहेगी। प्रकृतिर महांस ततो अहंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्माद्दपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि। कहा कि प्रकृतेर महान, महान महान माने बुद्धि, प्रकृति से सबसे पहली सृष्टि होती है बुद्धि की। बुद्धि ततो अहंकारात् यानी ततो अहंकारः उस बुद्धि से उत्पन्न होता है अहंकार, अहंकार से गणश्च षोडश कह यानी 16 प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति होती है। 16 प्रकार के तत्वों में कौन कौन से हैं, मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 तन मात्राएं।
पांच पांच तीनों कर लीजिए, 15 हो गए, और मन। कहा कि ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। यहां क्रम का ध्यान रखना है, कहा कि यही क्रम होगा, इससे विपरीत क्रम अगर इधर उधर क्रम करेंगे तो पुनः आगे की सृष्टि नहीं होगी। इसी क्रम से आपको कर्म इंद्रियों को लेना है। कर्म इंद्रियां कैसे क्रम है, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, यही क्रम है। कहा कि इसी क्रम से आपको तन्मात्राओं को लेना है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कहा कि श्रोत्र बोला, बताया, शब्द एक नंबर पर है। कहा कि त्वक, श्रोत्र, चक्षु, चक्षु बताया, शब्द, शब्द स्पर्श रूप, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, शब्द स्पर्श, त्वक का संबंध स्पर्श से है, उसके बाद रूप का संबंध चक्षु से है। कहा कि तीन नंबर पर रूप है, तीन नंबर पर चक्षु है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना। कहा कि रस का हमने चतुर्थ चौथे नंबर पर तन्मात्राओं को रखा, तो उसी प्रकार से रसना भी चौथे नंबर पर है, घ्राण पांचवें नंबर पे है, तो यहां गंध पांचवें नंबर पे है। कहा कि अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो सृष्टि नहीं होगी, आगे भी बता रहे। कहा कि तस्मात् अपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। कहा कि पांच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। कहा कि इसमें ये क्रम याद रखिएगा। कहा कि शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है, शब्द सहित स्पर्श से वायु की उत्पत्ति होती है। कहा कि शब्द स्पर्श सहित रूप से तेज की उत्पत्ति होती है। कहा कि शब्द स्पर्श रूप सहित रस से जल की उत्पत्ति होती है, शब्द स्पर्श रूप रस सहित गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इसीलिए शब्द गुण का आकाश होता है, वायु में शब्द स्पर्श होते हैं, कहा कि तेज में शब्द स्पर्श रूप होते हैं, कहा कि जल में शब्द स्पर्श रूप रस होता है, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध होता है। कहा कि यही क्रम अगर मानेंगे तो सांख्य की सृष्टि होगी। फिर एक बार बता दे रहा हूं, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से एकादश इंद्रियां पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, ये सांख्य दर्शन की सृष्टि की प्रक्रिया है। कह कि इसमें पुरुष कहीं भी नहीं है। कहा कि चल आपने सृष्टि बता दिया, अब प्रकृति की सिद्धि हमने पहले कर दी थी, इसलिए प्रकृति की सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रकृति का सबसे पहला कार्य है बुद्धि, महत। कहा कि महत का लक्षण बताते हैं, अध्यवसायो बुद्धि। बुद्धि का लक्षण क्या है, अध्यवसाय। अध्यवसाय पर हमने प्रमाण की चर्चा करते हुए बताया था कि अध्यवसाय का अर्थ है निश्चय करना, यही अन्य दर्शनों में पढ़ेंगे, निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही बुद्धि, ऐसा करके लक्षण मिलेगा। यहां डायरेक्ट बता दिया अध्यवसायो बुद्धि ही। बुद्धि का लक्षण क्या है, अध्यवसाय करना, निश्चय करना। कहा कि बुद्धि के आठ प्रकार होते हैं, आठ प्रकार का मतलब है, कहा कि आठ प्रकार से बुद्धि की प्रतीति होती है। कहा कि चार सात्विक प्रकार है और चार तामसिक प्रकार है। कहा कि बुद्धि सात्विक प्रकार कौन कौन से हैं, धर्मो, ज्ञानम, वैराग्य, ऐश्वर्य, यह चार सात्विक रूप हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। कहा कि सात्विकम एतद रूपम, यह सात्विक रूप है, तामसम अस्माद विपर्यस्तम, जो तामसिक रूप है इसके ठीक विपरीत है, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, यह
तामसिक, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये चार सात्विक रूप हैं, और बुद्धि के तामसिक रूपों में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य ये चार तामसिक रूप हैं। कहा कि राजसिक रूप इसलिए नहीं है क्योंकि तीनों गुणों की आगे ऐसे अहंकार के चर्चा में इसका समाधान मिलेगा, फिर भी यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको कि इनका जो राजसिक रूप है, राजसिक कोई सृष्टि इसलिए नहीं होती कि रजोगुण क्रियावान है, इसलिए सत्वगुण की सृष्टि कराने में भी सहायक है और तमोगुण की सृष्टि कराने में भी वो क्रिया प्रदान करता है, इसलिए राजसिक सृष्टि यहां स्वीकार नहीं की जाती। कहा कि थोड़ा थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। धर्म, धर्म दो प्रकार का होता है। कहा कि अभ्युदय प्रदायक और निःश्रेयस देने वाला। कहा कि अभ्युदय वाला जो धर्म है वो अभ्युदय पुण्य कर्मों के द्वारा अभ्युदय की प्राप्ति होती है, और तत्व मोक्ष शास्त्र के अध्ययन से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। कहा कि उसी तरह ज्ञान, हमने पहले भी बताया था कि ज्ञान जो अभी हम जिस दृश्य में जैसे हम लोग अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, ये हमारा आपका जो ज्ञान है वह बुद्धि जन्य ज्ञान है, पुरुष स्वरूप ज्ञान नहीं है, ब्रह्म स्वरूप वाला ज्ञान नहीं है। क्योंकि ब्रह्म स्वरूप वाला ज्ञान हमको आपको होता तो मोक्ष हो गया होता, उसके लिए फिर अध्ययन करने की, एमए बीए इत्यादि करने की आवश्यकता, पीएचडी इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं होती, मोक्ष हो जाता। इसलिए यह जो ज्ञान है वह बुद्धि जन्य ज्ञान है, और हमारे आपके सबके पास बुद्धि जन्य ही ज्ञान है। कहा कि ज्ञान, उसके बाद विराग, विराग माने वैराग्य होना। वैराग्य के भी दो रूप हैं, अपर वैराग्य, पर वैराग्य। अपर वैराग्य कहते हैं, अपर वैराग्य माने बाह्य विषयों से जो हमको विरक्ति होती है। बाह्य विषय में दो तरह के विषय आते हैं, एक संसारिक विषय और एक स्वर्ग आदि पारलौकिक विषय। कहा कि पारलौकिक विषय और संसारिक विषयों से जहां विरक्ति होती है उसको अपर वैराग्य कहते हैं, इसको बाह्य वैराग्य के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है आंतरिक वैराग्य यानी पर वैराग्य। पर वैराग्य का कोई भेद नहीं होता, जहां अपने शरीर से विरक्ति हो जाए और आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए, ऐसा जो वैराग्य है, आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए अपने शरीर से, यानी गुणत्रय से विरक्ति हो जाए, हमारा शरीर गुणत्रय से बना हुआ है, यानी शरीर से विरक्ति हो जाए, आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए, उसको हम पर वैराग्य कहते हैं, और वो पर वैराग्य वाली अवस्था मोक्ष की अवस्था होती है। कहा कि ऐश्वर्य, ऐश्वर्य आठ प्रकार का है, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसित्व, वसित्व, यथा काम वशायित्व। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसित्व, वसित्व। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ये जो अष्ट सिद्धियां हैं वो ऐश्वर्य के नाम से जानी जाती है। इसी के ठीक विपरीत हम अधर्म की व्याख्या कर लेंगे। अधर्म का मतलब होता है जो पाप कर्म से जनित है, कि ब्राह्मणम न हनिष्यामि, चतुर्दश्याम न हनिष्यामि, इस तरह करके वेदादि शास्त्रों में प्राप्त होता है। कहा कि पाप के बहुत सारी चर्चाएं हैं धर्मशास्त्र इत्यादि में, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। कहा कि अज्ञान, अज्ञान पांच होते हैं, आगे बताएंगे, अज्ञान अनेकों होते हैं लेकिन उनको हम पांच भागों में बांटे हैं, उसको हम कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसी क्रम में इस पुस्तक में ही आएगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। अवैराग्य का अर्थ होता है जो तृष्णा युक्त होना, मने
संसार के प्रति मोह माया जागृत हो जाना, यह है अवैराग्य। अनैश्वर्य, अनैश्वर्य का मतलब है कि ऐश्वर्य जो अनिमा लगिमा इत्यादि है इसके विषय में विश्वास न करना और उससे विपरीत कार्य करना, ये अनैश्वर्य है। कहा कि इस प्रकार से बुद्धि का स्वरूप की चर्चा हुई। उसके बाद बुद्धि से उत्पन्न होता है अहंकार। कहा कि अभिमानो अहंकार, अहंकार का लक्षण बताते हुए कहे अभिमान अहंकार, अभिमान अहंकार का लक्षण है। कहा कि जो हम आप ये सोच रहे हैं कि मैं हूं, मैं जीवित हूं, ये अभिमान के कारण ही है। और मैं सुंदर हूं, इस तरह की जो प्रतीति हो रही है, मैं कोई व्यक्ति अपने आप को बुरा मानता नहीं है, यह जो सुंदरता और तरह तरह के मैं मोटा हूं, मैं दुबला हूं, मैं उससे बलवान हूं, इस तरह की जो प्रतीति है यह अभिमान के कारण ही होता है। कहा कि तस्माद् द्विधा प्रवर्तते सर्ग, कहा कि उस अभिमान से दो प्रकार के सृष्टि होती है, एक तो एकादश इंद्रियों की और दूसरा पंचतन मात्राओं की। कहा कि एकादश कश्च गण तनमात्र पंच कश्चैव, कहा कि 11 इंद्रियां और 5 तनमात्राओं की सृष्टि होती है। यहां दूसरी कारिका में बता रहे हैं कि एकादश इंद्रियों की जो सृष्टि है वह सात्विक है और पंच तनमात्राओं की जो सृष्टि है वह तामसिक है। यहां भी यही चीज समझना है कि यह जो रजोगुण की अलग से सृष्टि नहीं बताया, सात्विक सृष्टि में भी रजोगुण सहायक है और तामसिक सृष्टि में भी रजोगुण सहायक है। इसका समाधान यहाँ आपको मिल जाएगा कारिका में, सात्विक एकादशक प्रवर्तते। कहा कि अब अलग से एकादश इंद्रियों की चर्चा हम इसलिए नहीं गिना रहे क्योंकि 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। वैकृताद अहंकारात, कहा कि सात्विक अहंकार का ही दूसरा नाम है वैकृत अहंकार। और भूतादेश तन्मात्र, भूतादेह यानी तामसिक अहंकार का ही दूसरा नाम यहां बता दिया भूतादेह अहंकार, भूतादि अहंकार। कहा कि भूतादेश तन्मात्र स तामस, यहां बता भी दिया कि वह तामस है। कहा कि तैजसादुभयम मने तैजस अहंकार से उभयम सात्विकी सृष्टि अपि भवति, तामसिकी सृष्टि अपि भवति। सात्विक जो सृष्टि हो रही है एकादश इंद्रियों की उसमें भी रजोगुण सहायक है और जो तामसिक सृष्टि हो रही है उसमें भी रजोगुण सहायक है, इसलिए अलग से इसकी सृष्टि स्वीकार सांख्य दर्शन में नहीं किया जाता। कहा कि उसके बाद कहा कि आपने 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों का स्वर गणना की कि 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं और 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं। उसमें एकादश इंद्रियों में मन का आपने लक्षण बता दिया, मन का व्याख्या भी कर दी, लेकिन 10 इंद्रियों की ना आपने लक्षण बताया और न व्याख्या की। हालांकि मन का लक्षण आगे बताएंगे, नहीं अहंकार का ही बताया, मन का भी लक्षण बताएंगे और 10 इंद्रियों का इसमें लक्षण बता रहे हैं। कहा कि व्यापार उनका क्या क्या है। कहा कि बुद्धि इंद्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना त्वगाख्यानि। कहा कि यहाँ क्रम श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण ही रखिएगा क्योंकि छंद भंग न हो इसके लिए कारिकाकार ने चक्षु से शुरू किया है। वाक पाणी पाद पायु उपस्थानी कर्म इंद्रियाण्याहु। कहा कि 5 ज्ञान इंद्रियां श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण और वाक पाणी पाद पायु उपस्थ ये कर्म इंद्रियां हैं। बुद्धि इंद्रिय भी इसका नाम है ज्ञान इंद्रियों का, इसलिए बुद्धि इंद्रियाणी यहाँ कहा। बुद्धि इंद्रिय भी समझिए और वही पर्यायवाची शब्द है ज्ञान इंद्रिय। कहा कि मन का लक्षण बता रहे उभयात्मकम अत्र मनः संकल्प इंद्रियम च साधम्यात्। कहा कि संकल्प
संकल्पक संकल्पकम मनः। मन का लक्षण क्या है? संकल्प करना। आगे दूसरे जब हम वेदांत पढ़ेंगे तो वेदांत में बताएगा कि संकल्प विकल्पांतः करणः कर्णवृत्ति मनः। ऐसा लक्षण मैंने संकल्प और विकल्प जो करता है, यहां सांख्य दर्शन में केवल संकल्प ही बताया है, कहा कि संकल्पकम मनः, संकल्प जो करना जिसका काम है वो मन है। कहा कि ये इंद्रिय है, बहुत दर्शनों में मन को इंद्रिय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन यहां बता दिया इंद्रियम च साधर्म्यात्, इंद्रियों के साथ साधर्म्य है इसका, माने जो जो लक्षण इंद्रियों में घटित होता है वही वही लक्षण मन में भी घटित होता है, इसलिए मन को भी इंद्रिय स्वीकार किया जाना चाहिए। कहा कि उभयात्मकम, यह जो मन है उभयात्मक है। उभयात्मक कहने का तात्पर्य है कि कर्म इंद्रियात्मक भी है और ज्ञान इंद्रियात्मक भी है, यानी मन जब चाहता है तभी ज्ञान इंद्रियां भी काम करती हैं और मन चाहता है तो ही ज्ञान इंद्रियां भी काम करती हैं। इसलिए कहा कि उभयात्मकम, मन कैसा है? उभयात्मक है, यानी सांख्य दर्शन में मन इंद्रिय तो है ही लेकिन उभयात्मक है, माने कर्म इंद्रिय स्वरूप वाला भी है और ज्ञान इंद्रिय स्वरूप वाला भी है, केवल ज्ञान इंद्रिय स्वरूप या केवल कर्म इंद्रिय स्वरूप वाला नहीं। कहा कि मन एक ही होता है। कहा कि यहां ध्यान रखिएगा कि सांख्य दर्शन में बुद्धि, मन और अहंकार, यह बाह्य रूप से अनेक है, वस्तुतः है एक। आपके अंदर जो बुद्धि है, मेरे अंदर जो बुद्धि है, हमारे सबके अंदर जो बुद्धि है, विश्व में जो बुद्धि घूम रही है, वो सबकी बुद्धि एक है। कहा कि किसी के बुद्धि, बुद्धि माने मेमोरी, कहा कि किसी के मेमोरी में 4GB डेटा है, वो 4GB के तरह काम कर रहा है, किसी के मेमोरी में 1GB डेटा है, वो 1GB के जैसा काम कर रहा है, लेकिन बुद्धि एक ही है। कहा कि उसी तरह यहाँ मन के बारे में भी बता रहा है, गुण परिणाम विशेषान नानात्म बाह्य भेदश्च, कहा कि गुण तीन हैं, इसलिए यह मन एक होते हुए भी गुणों के विमर्द भाव से, गुणों के परिणाम विशेष से अनेक प्रतीत होता है, यानी किसी का मन 100% सात्विक है, उसका मन ज्यादा स्थिर है। कहा कि किसी का 50% सात्विक है और 25% रजोगुणी है, 25% तमोगुणी है, इसलिए उसका मन थोड़ा ज्यादा चंचल है। इस तरह करके परसेंटेज करके हम हजारों करोड़ों के संख्या में मन की संख्या बना सकते हैं। इसलिए बाह्य रूप से इसमें भेद है, आंतरिक रूप से सबका मन एक ही जैसा होता है। कहा कि अभी सभी इंद्रियों का व्यापार बता रहे हैं। कहा कि श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण हम अलग से बता दे रहे हैं। रूपादि सुपंचानाम आलोचनम मात्रिष्यते वृत्ति वचनादान विहरणोत्सर्गा नंदाश्च पंचानाम। कहा कि ये सामान्य रूप से समझ लीजिए, श्रोत्र का शब्द ग्रहण करना, शब्द ग्राह्यो गुण श्रोत्र, ऐसे करके कहा कि श्रोत्र का काम है शब्द ग्रहण करना, शब्द की आलोचना करना, शब्द शब्दात्मक व्यापार करना। कहा कि त्वक का स्पर्श करना, चक्षु का रूप ग्रहण करना, और रसना का रस ग्रहण करना, और घ्राण का गंध ग्रहण करना। कहा कि ये विशेष व्यापार है, ये याद रखिएगा कि श्रोत्र ही शब्द ग्रहण करेगा, स्पर्श, त्वक या और कोई इंद्रिय शब्द को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। त्वक स्पर्श ही करेगा, वो श्रोत्र नहीं कर सकता है और इंद्रियां नहीं कर सकती हैं, इसलिए यह इनका विशेष व्यापार। सामान्य व्यापार आगे हम बताएंगे। कहा कि वचनादान विहरणोत्सर्गा नंदाश्च पंचानाम, उसी तरह कर्म इंद्रियों का व्यापार बता दिया,
कहा कि वाक का वचन करना, पाणी का आदान करना, पाणी माने हाथ, और पैर का विहरण करना, और पायु वाक पाणी पाद पायु, पायु का मलोत्सर्जन करना, और उपस्थ का आनंद, आनंद देना, कहा कि जननेन्द्रिय का आनंद देना काम है। इसलिए ये विशेष व्यापार बताया, ये सामान्य व्यापार नहीं है। कहा कि सामान्य व्यापार तब क्या है, कहा कि अगली कारिका में बता रहे हैं, स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्या सामान्या। कहा कि सभी इंद्रियों का अपना अपना विशेष व्यापार है जिसकी हमने चर्चा की। कहा कि सामान्य व्यापार क्या है, कहा कि सामान्य व्यापार पंच वायु जो हमारे शरीर में है, प्राण आपान व्यान समान उदान, ऐसे करके जो पांच वायु है, वह पांच वायु करणों के सामान्य व्यापार है। कहा कि सामान्य करण वृत्ति, वृत्ति यानी व्यापार, करण माने इंद्रिय। कहा कि सामान्य जो करणों की सामान्य जो वृत्ति है वो प्राण आद्याह वायु, वह पंच जो पांच प्रकार के वायु है, प्राण आपान समान व्यान उदान, ऐसे करके जो पांच प्रकार के वायु हैं, वह पांच प्रकार के वायु, इसकी अलग से व्याख्या नहीं कर रहे क्योंकि वेदांत में भी इसका लक्षण सहित व्याख्या आएगा, वहां हम चर्चा करेंगे। कहा कि ये पांच प्रकार के वायु हैं, यह सामान्य व्यापार है, और विशेष व्यापार सबका अपना अपना होता है। कहा कि यहाँ सामान्य और विशेष का लक्षण बता देता हूं, जो अधिक देश वृत्तित्व है वह सामान्य है, जो अल्प देश वृत्तित्व होता है वह विशेष होता है। कहा कि यह जो पांच वायु हैं वो सभी में है, पांच ज्ञान इंद्रियों में भी है, पांच कर्म इंद्रियों में भी है, मन में है, तो अधिक देश वृत्तित्व हुआ। कहा कि श्रोत्र का शब्द ग्रहण करना ये अल्प देश वृत्तित्व है, केवल श्रोत्र में ही विद्यमान रहता है, इसलिए यह विशेष व्यापार है। कहा कि ऐसा नहीं है कि ये व्यापार के जगह पे ही ये सामान्य और विशेष का लक्षण आप कर सकते हैं। सामान्य का जहां बोध करना होगा वो अल्प देश वृत्तित्व, जैसे मनुष्य, मनुष्यत्व यह सामान्य जाति है, सभी मनुष्यों में रहती है। कहा कि विशेष जाति क्या है, कहा कि विशेष जाति ये है कि यह ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, यह पुरुष है, यह स्त्री है। कहा कि और भी विशेष लक्षण बना देंगे, केवल उस व्यक्ति विशेष का जब हम लक्षण करेंगे तो वह विशेष लक्षण हो जाएगा, और किसी जाति समूह का हम करेंगे वह सामान्य लक्षण होगा। कहा कि इस तरह करके हम सामान्य और विशेष लक्षण करते हैं। कहा कि यहां एक कारिका दे रहा है, यद्यपि ये प्रमाण से संबंधित है, फिर भी प्रमाण से अलग करके दिया है, उसको हम आपको बताते हैं। युगपत चतुष्टयः चतुर्वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथाप्य दृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः। कहा कि युगपत चतुष्टयः चतुर्वृत्तिः, एक समास एक साथ चार इंद्रियों, चार की वृत्ति होती है। कहा कि किसकी किसकी, कहा कि किसी वस्तु को, घट को हमको प्रत्यक्ष करना है तो घट को प्रत्यक्ष करने में चार की वृत्ति एक साथ होती है। कहा कि किसकी किसकी, बुद्धि, अहंकार, मन, और जिस इंद्रिय का उपयोग करना है, अगर घट देखना है तो चक्षु का उपयोग करना है तो चक्षु। युगपत चतुष्टयस्य तु वृत्ति क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा, ये क्रम पूर्वक ही होंगे। कहा कि अगर कोई ऐसा मान ले कि नहीं, पहले मन का होगा, उसके बाद बुद्धि की होती है, उसके बाद अहंकार का होता है, ऐसा नहीं। पहले, सबसे पहले बुद्धि, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, बुद्धि में ये सारी चीजें आती है। जैसे खाना बनाना है तो खाना बनाना है सबसे पहले कहाँ आया, बुद्धि को, फिर अहंकार अभिमान किया, फिर मन संकल्प किया, और तब हमारे हाथ पैर काम करने लगते हैं, यानी हमारी कर्म इंद्रियां
काम करती हैं, ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं और तब हम उस काम में प्रवृत्त होते हैं। कहा कि ये क्रम पूर्वक आती भी हैं और क्रम पूर्वक जाती भी। कहा कि अगर ऊपर के तरफ से हम क्रम करेंगे, कहा कि प्रवृत्ति होने से पहले वाली जो क्रम है वो कैसी है, बुद्धि, अहंकार, मन और चक्षु, ये क्रम है। कहा कि जब हमको लौटाना है तो यही क्रम होगा, इंद्रिय, इंद्रिय से मन, मन से अहंकार, अहंकार से बुद्धि। जैसे सपोज दैट, मानिए कि घट का हमने उदाहरण दिया कि घट का हमको प्रत्यक्ष करना है, तो घट के प्रत्यक्ष में पहले बुद्धि को बुद्धि इन्फॉर्मेशन देगी अहंकार को, अहंकार इन्फॉर्म करेगा मन को, मन इन्फॉर्म करेगा चक्षु को, चक्षु उस घट का प्रतिबिंब बनाएगा, प्रतिबिंब बनाने के बाद वो सबसे पहले मन को देगा, मन पुनः अहंकार को देगा, अहंकार फिर बुद्धि को देगी और बुद्धि निश्चय करेगी। अब इसमें विशेष चीज ये है कि इसमें जो ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं वह केवल वर्तमान काल में ही काम करती है, यानी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां केवल वर्तमान काल में ही काम करती हैं। लेकिन जो तीन प्रकार के अंतःकरण हैं, आगे बताएंगे कि अंतःकरण तीन हैं सांख्य दर्शन में, बुद्धि, अहंकार और मन, यह त्रैकालिक है, त्रैकालिक है यानी ये तीनों कालों में काम करती है। यानी जैसे काम वर्तमान काल में कर रही है वैसे ही काल वो भविष्य के विषयों में भी करती है और वैसे ही काम अतीत के विषयों में भी करती है। यानी अतीत कालिक विषयों के का स्मरण करना हो, उसका अगर मानसिक प्रत्यक्ष हो रहा है तो उसमें भी बुद्धि और अहंकार और मन रहेंगी, और अगर भविष्य में किसी चीज की हम कल्पना कर रहे हैं तो उसमें भी ये तीनों रहती हैं। कहा कि दृष्टे, दृष्टे माने वर्तमान कालिक विषय, तथाप्य दृष्टे, दृष्ट और अदृष्ट, अदृष्ट से यहां अतीत और भविष्य दोनों लेना है, त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति, एक समान ही वृत्ति होती है। यानी बुद्धि, अहंकार और मन का जिस तरह अतीत काल के विषयों में व्यापार होता है उसी तरह वर्तमान काल के विषयों में भी व्यापार होता है और उसी तरह के भविष्यकालिक विषयों में भी व्यापार होता है। लेकिन जो श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, रसना, घ्राण है, वाक्, पाणिपाद, पायु, उपस्थ है, इनका केवल वर्तमान कालिक ही व्यापार होता है, यह अतीत कालिक किसी रूप को नहीं देख सकती, अतीत कालिक किसी स्पर्श को नहीं कर सकता, अतीत कालिक किसी विषय का ग्रहण हाथ नहीं कर सकता, वो जब ग्रहण करेगा करते समय वो वर्तमान कालिक ही होगा। इसलिए इनके व्यापार में थोड़ा सा डिफरेंस है। कहा कि बुद्धि, अहंकार और मन त्रैकालिक है, जबकि चक्षु, श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, रसना, ग्राण और वाक्, पाणिपाद, वायु, उपस्थ, यह वर्तमान कालिक ही है, त्रैकालिक नहीं है। कहा कि अच्छे ये बता दीजिए कि इंद्रियां काम करती क्यों है, कुछ ना कुछ तो प्रयोजन चाहिए, क्योंकि दर्शन कहता है प्रयोजनम मनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना तो कोई कुछ काम ही नहीं करता, इंद्रियां इतनी एक्टिव हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा। कहा कि स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्परा कूत हेतु काम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर न केनचित कार्यते करणम। कहा कि करणों को कोई बताता नहीं है, पुरुषार्थ का संपादन करना ही इनका हेतु। कहा कि अब पुरुषार्थ की चर्चा आ गई। कहा कि पुरुषार्थ संस्कृत वाङ्मय में चार प्रकार के माने गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कहा कि इन में से केवल मोक्ष को ही लेना है। कहा कि पुरुषार्थ एव हेतु। कहा कि सांख्य दर्शन में पुरुषार्थ शब्द से दो चीज का बोध होता है, भोग और अपवर्ग।
कहा कि जब तक अपवर्ग नहीं प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक भोग का संपादन करना इंद्रियों का काम है। प्रकृति का काम, इंद्रियों का काम क्या है? भोग का संपादन करना। कहा कि भोग का संपादन क्या है? कहा कि शब्दाद्य उपलब्धि ही भोग। कहा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध की प्राप्ति करा देना भोग है, और प्राप्ति बंद कर देना मोक्ष है। यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध की प्राप्ति होना बंद हो जाए वो मोक्ष है, और भोग माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध की प्राप्ति होना भोग है। कहा कि जो दुनिया के जितने भी विषय आप उठा लें, उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही होते हैं। या तो शब्द होगा, या तो रूप होगा, या तो रस होगा, या तो गंध होगा, या तो स्पर्श होगा, इस तरह करके सारे चीज होते हैं। कहा कि इससे अतिरिक्त कुछ नहीं होता। कहा कि स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते। कहा कि अपने आप उत्साहित होकर के कार्य करती हैं। कहा कि किसी ने डंडे से प्रहार करना आप पर चाहा, कहा कि हाथ को बताना नहीं पड़ता कि डंडा पकड़ लो, हाथ अपने आप ऐसे उठता है और डंडे को पकड़ लेता है। कहा कि स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतु काम वृत्ति। कहा कि ये इतना जल्दीबाजी कार्य करते हुए भी अपना ही काम करती है। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी है इसलिए श्रोत्र शब्द ग्रहण करना छोड़ करके स्पर्श करने लगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये अपना ही अपना काम करेंगे। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्परा माने अपने आप विभाग कर लेती हैं, इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और मुख्य प्रयोजन इनका है पुरुषार्थ का संपादन करना, भोग और अपवर्ग का संपादन करना। भोग माने शब्दाद्य उपलब्धि, और अपवर्ग माने प्रकृति और पुरुष का वियोग होना, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध की उपलब्धि होना बंद हो जाना। कहा कि अब इसमें करणों की चर्चा है। करण बार बार ये आ रहा था कि करण 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 के विषय में बताते हुए कहते हैं कि करणम त्रयोदश विधम, 13 प्रकार के करण हैं। कहा कि 3 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, यानी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये करण 10 प्रकार के हैं। कहा कि इनका काम क्या है? कहा कि तदा हारण धारण प्रकाश कर्म। कहा कि ये 3 प्रकार के काम करते हैं, आहरण करना, धारण करना और प्रकाशित करना। इंद्रियों का काम विशेषकर किसी भी विषय को आहरित करती हैं और फिर धारण करती हैं, और धारण करके सेम टू सेम प्रकाशित करती हैं, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते। कहा कि कार्यम चतस्य दशधा, 10 प्रकार के इसके कार्य हैं, आहार्य, धार्य और प्रकाश्य। विषय जो होंगे वो आहार्य, धार्य और प्रकाश्य हो जाएंगे, और इंद्रियां आहारक, धारक और प्रकाशक हो जाएंगे। यानी इंद्रियों का काम है आहरण करना, धारण करना और प्रकाशित करना। ऐसा नहीं है कि इंद्रियां धारण आहरण की और प्रकाशित कर दी, ऐसा नहीं करते। पहले आहरण करती हैं, उसके बाद से उसको धारण करेंगी, धारण करने के बाद से उसको प्रकाशित करती हैं, उसको बताती हैं कि कौन क्या है। कहा कि 10 विषय, 5 ज्ञान इंद्रियों का विषय और 5 कर्म इंद्रियों का विषय ले लेंगे तो विषय आहार्य, धार्य और प्रकाश्य हो जाएंगे। यानी कार्य 10 प्रकार के हैं और ये करण 13 प्रकार के हैं। कहा कि अंतःकरण 3 प्रकार के होते हैं, अंतःकरणम त्रिविधम दशदा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम। अंतःकरण 3 प्रकार के हैं, हमने बताया भी, बुद्धि अहंकार और मन। दशधा बाह्यम, बाह्य इंद्रियां 10 प्रकार की हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। त्रयस्य विषयाख्यम, कहा कि
ये तीनों का अलग से कोई विषय नहीं होता। वह जो 10 विषय हैं वही अहंकार मन बुद्धि अहंकार और मन का भी विषय है। सांप्रत कालम बाह्यम यानी वर्तमान कालिक होती है केवल 10 इंद्रियां, केवल वर्तमान काल में ही कार्य करती हैं। वह अतीत काल और भविष्यत के तरफ नहीं जाती, अनागत काल में नहीं जाती। त्रैकालिकम अभ्यांतर करणम कहा कि यह जो बुद्धि अहंकार और मन है वह त्रैकालिक है, इसीलिए यहाँ कहा कि अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम कहा कि 10 प्रकार के बाह्य हैं और सांप्रत कालिक हैं बाह्य और त्रैकालिक हैं अंतःकरण। अंतःकरण माने बुद्धि अहंकार और मन। कहा कि बुद्धि इंद्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि भाग भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। कहा कि वही चीज बताया कि बुद्धि इंद्रियां 5 प्रकार की हैं, उनके विषय भी 5 हैं और विषयाणि विशेष विषय 5 प्रकार के हैं। उसी तरह कर्म इंद्रियां भी 5 प्रकार की हैं और कर्म इंद्रियों का भी विशेष विषय 5 प्रकार के होते हैं। कहा कि श्रोत्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 ज्ञान इंद्रियों का विषय है और उसी तरह वचन आदान विहरण और उत्सर्ग और आनंद ये 5 विषय कर्म इंद्रियों का है, अलग से यहाँ कुछ नहीं बताया। कहा कि आपने ये जो 13 प्रकार का करण बताया उसमें से मुखिया कौन है, मुख्य कौन है? कहा कि कोई ना कोई मुख्य तो होगा। कहा कि शांतः करणा बुद्धि सर्वम विषयम अवगाहते जस्मात बुद्धि इसमें सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि बुद्धि ही पुरुष के सबसे नजदीक है। शांतः करणा बुद्धि कहा कि जो अंतःकरण में जो बुद्धि है वह सबसे नजदीक है और नजदीक होने के कारण शब्द स्पर्श रूप रस गंध की उपलब्धि भी यही कराती है और अपवर्ग के समय ही भी चित्त वृत्तियों का निरोध इनमें ही होता है, इसलिए बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारी द्वाराणि शेषाणि कहा कि किसी घर में जाना है तो मुख्य द्वार होता है और एक द्वारी होता है। द्वारी माने मुख्य घर का दरवाजे के अंदर दरवाजा। कहा कि जो हमारी 10 इंद्रियां हैं वो 10 इंद्रियां विषयों को ग्रहण करने के लिए मुख्य हैं, लेकिन उसमें मुख्य प्रधान है हमारी बुद्धि इंद्रिय। कहा कि बुद्धि इंद्रिय के बिना बिना इन्फॉर्मेशन दिए न अहंकार काम करता है न मन काम करता है न हमारी इंद्रियां काम करती है। माने श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण ये सब काम नहीं करते हैं, इसलिए वो मुख्य है। कहा कि जिस तरह यहाँ जब हम भाष्य पढ़ते हैं तो इसमें उदाहरण आता है कि जिस तरह ये पंचायती राज का उदाहरण दे करके समझाएगा कि जिस तरह गांव का मुखिया मुख्य होता है और वो सभी लोगों को निर्देश दे करके और तत्त्व कार्यों को कराता है, उसी तरह का यहाँ बताया गया है। एते प्रदीप कल्पाहा परस्पर विलक्षणाहा गुण विशेषाहा कहा कि एते प्रदीप कल्पाहा कहा कि यह सब प्रकाशित करते हैं। प्रदीप जैसे दीपक जैसे सब कुछ प्रकाशित करता है, उसी तरह ये सब इंद्रियां हमको प्रकाशित करते हैं। परस्पर विलक्षणाहा लेकिन ये प्रकाशित प्रकाशक धर्म होने साधर्म होने के बावजूद भी ये सब विलक्षण है, एक दूसरे से विपरीत लक्षण वाले हैं। कृष्णम पुरुषस्यार्थम प्रकाश बुद्धौ प्रयच्छन्ति और सबका उद्देश्य यही है कि यह पुरुष के जो पुरुषार्थ के संपादन के लिए भोग और अपवर्ग के संपादन के लिए जो आवश्यक है वो ये करते हैं। कहा कि कृष्णम पुरुषस्यार्थम
प्रकाश बुद्धौ प्रयच्छन्ति बुद्धि को समर्पित करते हैं और बुद्धि अपने अनुसार पुरुष का भोग और अपवर्ग का संपादन करती है। कहा कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक भोग का संपादन करती है, जब तत्व ज्ञान हो जाता है उसके बाद ये अपवर्ग का तत्व ज्ञान होते ही अपवर्ग का संपादन करती है। इसीलिए कहा कि कृष्णम पुरुषस्यार्थम प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति बुद्धि को समर्पित करती है। कहा कि सर्वम प्रत्युपभोगम जस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि। कहा कि सब कुछ उपभोग पुरुषस्य साधयति बुद्धि, पुरुष का पुरुष को संसाधित करती है हमारी बुद्धि। सैव च विषी नष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। इसलिए बुद्धि तो सूक्ष्म है लेकिन सबसे सूक्ष्म पुरुष और प्रकृति है, प्रकृति और पुरुष से सूक्ष्म कोई नहीं है। यानी भोग और अपवर्ग का संपादन करना ही हमारी सारी इंद्रियों का, सारे कर्णों का धर्म है और उसमें मुख्य है बुद्धि। कहा कि दो तीन कारिकाओं के माध्यम से बुद्धि की प्रधानता बतलाने का यहाँ प्रयास किया है। कहा कि अब यहाँ एक चीज बताना चाहते हैं कारिकाकार की तन्मात्र यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध और पंच जो आकाश है। कहा कि पंच आकाश कह रहे हैं, पंच महाभूत हैं आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, इन दोनों में अंतर कैसे होगा। कहा कि तन्मात्राण्य विशेषाः तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषाः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। कहा कि ये दोनों दोनों का नाम भी थोड़ा सा आप जान लें। कहा कि सूक्ष्म तन्मात्राओं का नाम है सूक्ष्म महाभूत सूक्ष्म भूत और महाभूतों का नाम है स्थूल महाभूत। कहा कि एक को तन्मात्रा कहते हैं, सूक्ष्म भूत को तन्मात्रा कहते हैं जिसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध आते हैं और आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये स्थूल महाभूत हैं, इनको हम विशेष कहते हैं और तन्मात्राओं को अविशेष कहते हैं। कहा कि तन्मात्राणी अविशेषाः, तन्मात्राएं जो होती हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये अविशेष हैं और इन अविशेष तन्मात्राओं से विशेष महाभूतों की उत्पत्ति होती है। अविशेषात विशेषारंभ, ये सूत्र भी है सांख्य सूत्र का। कहा कि इनको विशेष कहते हैं। कहा कि विशेष क्यों कहा, कहा कि विशेष इसलिए कहा, कहा कि जो महाभूत होते हैं उसमें शांत घोर और मूढ़त्व की प्रतीति होती है लेकिन जो अविशेष तन्मात्राएं हैं वह शांत घोर मूढ़ हैं लेकिन उनमें प्रतीति नहीं होती। यानी जो तन्मात्राएं हैं वो भी सात्विक राजसिक और तामसिक है। शांत का मतलब सत्व गुण और घोर का मतलब रजोगुण और मूढ़ का मतलब तमोगुण। कहा कि जो पंच महाभूत हैं उसमें सात्विकता का, राजसिक धर्म का और तामसिक धर्म की अनुभूति होती है, प्रतीति होती है। कहा कि कैसे, कहा कि आकाश कभी कभी साफ दिखता है, प्रायः साफ दिखता है, वो शांत शांत वातावरण का प्रद्योतन करता है। कहा कि सत्वगुण का प्रकाशक धर्म है, प्रकाश बहुत साफ दिख रहा है। घोर, कहा कि आकाश को वायु को ये सारे महाभूतों को देख करके कई बार मन चंचल होने लगता है, प्रवृत्त होने लगता है, प्रवृत्ति होने लगती है, घोरत्व की प्रतीति होती है। कई बार मौसम को देख करके ऐसा प्रतीत होता है आकाश वायु ये सभी कि हमारा मन कुछ करने का नहीं है, यानी बुद्धि काम नहीं करती है,
मूढ़त्व की प्रतीति होती है। इसलिए यहां ये बताया कि यह विशेष इसलिए है क्योंकि अब ये वो जो विशेष का लक्षण बताया था वो विशेष का लक्षण मत ले लीजिएगा। यहां पंच महाभूतों का नाम विशेष कर दिया, कहा कि इनका नाम विशेष है, कहा कि वैशिष्ट इनके अंदर क्या है, क्योंकि इनमें शांतत्व घोरत्व और मूढ़त्व की प्रतीति होती है। जबकि पंचतन मात्राओं में शांतत्व घोरत्व मूढ़त्व की प्रतीति यानी सात्विक राजसिक तामसिक वो भी है लेकिन उनके अंदर प्रतीति नहीं होती, इसलिए उनको हम अविशेष के नाम से जानते हैं और उनसे ये उत्पन्न होता है। कहा कि अब यहां एक चीज और बता रहे हैं कि सूक्ष्माः माता पितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषा स्युः सूक्ष्मास्तेषां नियताः माता पितृजा निवर्तन्ते। कहा कि हमारे शरीर में छह प्रकार के कोष होते हैं। कहा कि छह प्रकार के कोष कौन कौन से हैं, कहा कि ये जो छह प्रकार के कोष हैं उनको हम सूक्ष्म कहते हैं और यह सूक्ष्म जो कोष हैं वो माता से भी तीन प्रकार के और पिता से भी तीन प्रकार के हमको प्राप्त होते हैं। यानी जो माता के अंदर से जो अंडाणु है और पिता के अंदर से जो वीर्य की उत्पत्ति होती है और दोनों के संयोग से हमारा निर्माण होता है, उसमें से माता के अंदर से तीन गुण प्राप्त होते हैं और पिता के अंदर से भी तीन गुण की प्राप्ति होती है। कहा कि वो कौन कौन से सूक्ष्म चीज है, कहा कि शोणित शुक्र मिश्री भावे, कहा कि शोणित शुक्र का मिश्रण होने से, शोणित और शुक्र का मिश्रण होने से पिता से तीन चीज और माता से तीन चीज हमको प्राप्त होते हैं। कहा कि वह तीन चीज क्या है, रुधिर मांस और स्नायु, रुधिर मांस स्नायु शुक्र अस्थि और मज्जा। कहा कि शुक्र अस्थि और मज्जा ये तीन और रुधिर मांस और स्नायु ये तीन चीज माता पिता से हमको प्राप्त होते हैं। कहा कि सूक्ष्माः माता पितृजाः, माता और पिता से जो प्राप्त तीन तीन धर्म हैं गुण हैं, सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः, तीन प्रकार से हमारे विशेष का निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। सूक्ष्मास्तेषां नियताः, कहा कि सूक्ष्म यह नियत है, कहा कि इसको हम डीएनए भी कह सकते हैं। और माता पितृजा निवर्तन्ते, यह जो जब कब तक रहते हैं, जब तक हमारा जन्म हुआ यानी माता के गर्भ में जब हम आए और तब से मृत्यु पर्यंत रहते हैं। कहा कि जैसे ही दूसरा हम शरीर धारण करते हैं तो दूसरे माता पिता हो जाते हैं और उनका रुधिर मांस और स्नायु शुक्र अस्थि और मज्जा ये उनका हो जाता है। कहा कि दूसरे जन्म में जब दूसरे माता पिता होंगे तो दूसरा हो जाएगा, इसलिए वह एक ही जन्म तक रहते हैं, इनको अनेक जन्मों तक स्वीकार नहीं किया जाता है। कहा कि जैसे ही हमारी मृत्यु होती है ये माता पितृजा माता और पिता के द्वारा जो दिया गया गुण है वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। कहा कि अच्छे ये बताइए कि रहता क्या है, स्वर्ग इत्यादि में क्या जाता है। हम हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे सारे में ये बताया गया है कि सूक्ष्म चीज क्या क्या है। कहा कि पूर्वोत्तपन्नम अशक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरूप भोगम भावैरधिवासितम लिंगम। कहा कि जो हमारे शरीर में 17 प्रकार के 17 प्रकार के जो सूक्ष्म शरीर हैं, वह सूक्ष्म शरीर ही बार बार स्थूल शरीर परिवर्तन करते हैं। यानी इस जन्म में दूसरा स्थूल, ये स्थूल शरीर प्राप्त किए हैं, अगला जन्म में वो फिर यम उसको निकाल करके ले जाएंगे सूक्ष्म शरीर को, जैसी यातना देनी होगी स्वर्ग नरक की वो देंगे, और फिर अगर नहीं देना है
तो फिर किसी दूसरे माँ के गर्भ में भेजेंगे और फिर उसको स्थूल शरीर के रूप में हम परिणत होंगे, फिर संसार में आएंगे और फिर जीवन जिएंगे। इसीलिए कहा कि पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम। पूर्वोत्पन्न का मतलब सृष्टि के आदि में ये उत्पन्न होते हैं। सृष्टि के आदि में उत्पन्न का मतलब कि जब तक हमको ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक ये रहेंगे, तब तक शरीर परिवर्तन करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पुण्य कर लें तो स्वर्ग चले जाए, तो स्वर्ग चले जाएंगे तो उतना ही दिन तक रहेंगे जितना दिन तक हमने पुण्य किया है। इसलिए कहा कि पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, महत से लेकर के और पंच तन मात्राओं तक। ये 17 कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। कहा कि बुद्धि अहंकार मन, ये 3 हुए, नहीं 18 हैं, ये 3 हुए, और 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेन्द्रियां और पंच तन मात्राएं। 17 बार बार याद आ रहा है क्योंकि ये वेदांत में 17 प्रकार के हम आगे वेदांत सार पढ़ाते हुए बताएंगे। कहा कि संसार 3 उपभोग, कहा कि ये कोई उपभोग नहीं करते। भावई रधिभाषितम लिंगम, लेकिन भावई ही, भावई ही कहा कि जो 8 प्रकार के हम बुद्धि के भाव बताए। कहा कि कौन कौन से थे, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य। इसमें से एक को निकाल देना है, ज्ञान को निकाल देना है, तो कितने बचे, 7 बचे। इन 7 भावों से युक्त होकर के, यानी धर्म अधर्म अज्ञान, ज्ञान को नहीं लेना है, अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, ये टोटल 7 हुए। इन 7 भावों से युक्त होकर के, ये 7 भावों से पल्लवित और पुष्पित होकर के, ये तब तक रहते हैं जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं होगी, इसलिए ज्ञान को निकाला, क्योंकि ज्ञान होते ही वो चाहे बुद्धि जन्य ज्ञान यहां कह दिया, लेकिन ज्ञान परम तत्व का ज्ञान होते ही यह भावों की समाप्ति हो जाती है और सूक्ष्म शरीर मुक्त हो जाता है, पुनः दोबारा जन्म नहीं होता। इस प्रकार से ये बताया है। कहा कि चित्रम यथा श्रय मृते स्थानवादिभ्यो विना यथा छाया तद्वद विना विशेषैर न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। कहा कि जिस तरह, कहा कि आपने बताया कि सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर ही सब कुछ कर ले, स्थूल शरीर के बिना आवश्यकता क्या है, स्थूल शरीर की आवश्यकता क्या है। कहा कि स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर की कल्पना नहीं हो सकती। सूक्ष्म शरीर केवल उपभोग नहीं कर सकते, सूक्ष्म शरीर तभी उपभोग करेंगे जब स्थूल शरीर होगा। जब हम नरक जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर लेकर के भगवान यम जाता है, और यम जाते हैं और यम जा करके फिर, जैसे हमने कोई पाप किया कि कुंभी पाक करना हो तो कुंभी पाक करने के लिए उस शरीर, उस तरह के शरीर का निर्माण करते हैं। इस शरीर को कुंभी पाक करने लेंगे या खोलते हुए, जो गरुण पुराण में पढ़ते हैं कि खोलते हुए तेल में डाल देते हैं, तो डालेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो सूक्ष्म शरीर ले जा करके और यम फिर उस तरह की, जिस तरह की यातना देनी होती है उस तरह की शरीर का निर्माण करते हैं, ऐसा गरुण पुराण में पढ़ने को मिलता है। कहा कि चित्रम यथाश्रय मृते, कहा कि चित्र बिना आश्रय के नहीं बनाया जा सकता, बिना भीति के नहीं बनाया जा सकता, बिना कैनवास का नहीं बनाया जा सकता। उसी तरह जिस तरह अस्थाड़ू के बिना, वृक्ष के बिना छाया नहीं होती, उसी तरह स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर की कल्पना, या सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। तदवद बिना विशेष अस्थूल शरीरम बिना तिष्ठति निराश्रयम लिंगम, यह जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो निराश्रित होकर के उपभोग नहीं करती। वह उपभोग तभी करती हैं जब स्थूल शरीर का निर्माण, कहा कि स्थूल शरीर के बिना ये नहीं करते। कहा कि पुरुषार्थ हेतु कमिदम
निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन कहा कि पुरुषार्थ के कारण ही यह नित्य और नैमित्तिक रूप से यह सारी हमारी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर काम करते हैं। प्रकृतिर विभुत्त योगान नटवत व्यवतिष्ठते लिंगम कहा कि जिस तरह एक रंगमंच पे एक नर्तकी तभी तक नृत्य दिखाती है जब तक उसका नर्तन है, माने जब तक उसका, मान लीजिए कि 5 मिनट 7 मिनट जितने देर का नृत्य है उतना देर दिखाती है और फिर पर्दे के पीछे चली जाती है और फिर किसी दूसरे रूप में आकर के और नृत्य दिखाती है, यानी कभी सीता बन करके आती है, कभी रंभा बन करके आती है, कभी पार्वती बन करके आती है। कहा कि एक ही नटी बार बार बदल करके, वेश बदल करके दूसरे दूसरे वेश में आती है, उसी तरह जब तक हमको तत्व ज्ञान नहीं होता यह विश्व रूपी रंगमंच में हम तत्तद रूप में आते हैं, कभी मनुष्य बन करके, कभी पशु बन करके, कभी किसी दूसरे माँ बाप के पुत्र बन करके, कभी पक्षी बन करके तत्तद जीव का रूप धारण करके आते हैं, अपना नाटक दिखाते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर नाटक दिखाते हैं, इस तरह करके यह है। कहा कि लिंग शरीर अपना ड्रेस चेंज करता है, जैसे गीता में बताया गया है कि पुराना वस्त्र का परित्याग करके और नए वस्त्र में जैसे आ जाते हैं। कहा कि सांसिद्धिका भावा प्रकृता प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः। कहा कि सांसिद्धिक और प्राकृतिक और वैकृत भाव होते हैं। कहा कि सांसिद्धिक यानी जन्मजात प्राप्त, जो जैसे कपिल के बारे में कपिल को सांसिद्धिक सिद्धि थी, कहा कि सांसिद्धिक भाव होते हैं, किसी के प्राकृतिक भाव होते हैं, प्राकृतिक भाव यानी बाद में वो जुड़ जाते हैं प्राकृतिक भाव, और फिर वैकृत भाव होते हैं, वैकृत भाव का मतलब यानी विकृत, वैकृत भाव यानी वो बाद में परिवर्तित हो जाते हैं, इस तरह करके ये तीन प्रकार के भावों की चर्चा है। कहा कि दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः। कललाद्याः यानी बारिश के बूंद जब पड़ते हैं तो जिस तरह बुलबुला बनता है और समाप्त हो जाता है, बुलबुला माने बताशा की तरह एक बुलबुला टाइप का बनता है, थोड़ा सा पानी का गोला बनता है और फिर पचक जाता है। कहा कि उसी तरह हमारा भी जन्म होता है, जन्म के बाद से मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, इस तरह करके परिवर्तन होता है। कहा कि अब कौन सा लोक किस भाव से हम कहां निवास करते हैं। कहा कि धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, धर्म करोगे ऊर्ध्वगमन होगा, अधर्म करोगे नीचे जाओगे। गमनम अधस्ताद भवत्य धर्मेण, यानी जो ऊपर के लोक बताए गए हैं भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्य, ये 7 प्रकार के लोकों का हम वेदांत सार में चर्चा करेंगे। फिर नीचे अतल वितल सुतल रसातल, ये 7 प्रकार के लोकों की चर्चा नीचे लोक हैं। ज्ञाने न चाप वर्गो, ज्ञान प्राप्त करोगे तो मोक्ष होगा। विपर्याद इष्यते बंध, अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, जो विपर्य हैं उनसे बंधन को प्राप्त होता है व्यक्ति, बंधन का कारण है। वैराग्यात प्रकृति लय, वैराग्य होगा तो प्रकृति में लीन हो जाओगे। प्रकृति में लीन होने वाले बहुत सारे जीव हैं, मछली भी एक होती है जो पटया हमारे तरफ कहते हैं वो जमीन के अंदर चली जाती है, मेढक जो होते हैं वो जमीन के अंदर चले जाते हैं और फिर बारिश होती है तो वो बाहर आते हैं। संसारो भवति राजसाद्रागात, कहा कि अब अवैराग्य से संसार की प्राप्ति होती है, पुनः पुनः संसार की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्याद अभिघात, कहा कि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी तो सर्वत्र इच्छा पूर्ति होगी। और विपर्ययाद विपर्याशः, अगर अनैश्वर्य होगा
तो सब जगह इच्छा का तिरस्कार होगा, इस तरह करके बताया गया। अंतिम जो विशेष चीजें हैं उसमें प्रत्यय सर्ग आता है। कहा कि प्रत्यय सर्ग का अर्थ होता है बुद्धि सर्ग। कहा कि बुद्धि सर्ग के मुख्य चार भेद हैं, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। कहा कि ये चार मुख्य भेद हैं। कहा कि एष प्रत्यय सर्गो विपर्या शक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्य, चार मुख्य भेद हैं। गुण वैषम्य विमर्दात तस्य च भेदास्तु पंचाशत, और इन चारों के अलग अलग भेदों को जोड़ेंगे तो ये 50 प्रकार के होते हैं। वो 50 प्रकार के कौन हैं आगे बता रहे हैं। पंच विपर्य भेदा है, आप जोड़ते जाइएगा। पांच विपर्य के भेद हैं, अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनका पौराणिक नाम है तम मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र। उसके बाद भवन्ति अशक्तिश्च कर्ण वैकल्यात, अष्टाविंशति भेदा, 28 प्रकार के अशक्तियां होती हैं। तुष्टिर नवधा, 9 प्रकार की तुष्टि होती है, और अष्टदा सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धि होती है। कहा कि पांच विपर्य, 28 माने 28 अशक्ति, 9 तुष्टि और 8 सिद्धि। कहा कि उसमें सबसे पहले विपर्य का भेद बता रहे हैं। विपर्य के भेद यहां बता रहे हैं। विपर्य तो पांच है। कहा कि कौन कौन, तम मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र। उसी को दूसरी भाषा में कहेंगे, योग दर्शन की भाषा में कहेंगे अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, पुराण के भाषा में कहेंगे तम मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र है। कहा कि भेदस्तमसो अष्टविधा, 8 प्रकार के तम के भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो भी बताते चलूं आपको। कहा कि तम के जो 8 भेद हैं वो प्रकृति महत, प्रकृति महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राएं में श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण, ये 8 प्रकृतियों की चर्चा है। 8 जो प्रकृतियां हैं वो तमसो अष्टविधा, तम के 8 भेद हैं। मोह के भी 8 भेद हैं। मोह के 8 भेद अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य इसित्व वसित्व यथा काम वासायित्व, ये 8 भेद हैं। कहा कि 10 विधो महामोह, 10 प्रकार के महामोह होते हैं। महामोह मने राग, अविद्या स्मिता राग, राग 10 प्रकार के होते हैं। कहा कि राग 10 प्रकार के कौन कौन से हैं। कहा कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जो 5 हैं इनके दिव्य स्वरूप और अदिव्य स्वरूप। अदिव्य स्वरूप कहते हैं जिसका हम लोग उपभोग करते हैं, और दिव्य स्वरूप वो है जो देवता इत्यादि उपभोग करते हैं। देवता सात्विक शब्द स्पर्श रूप रसगंध का उपभोग करते हैं, और हम राजसिक यानी दुखात्मक सुख दुख दुखात्मक राजसिक शब्द स्पर्श रूप रसगंध का उपभोग करते हैं। तो हमारा आपका जो ये विषय है वह राजसिक है, और जो देवताओं का विषय है वो सात्विक है। तो ये 5-5 मिला करके 10 प्रकार के महामोह हो गए। तामिश्र अष्टादशधा, कहा कि तामिश्र में करना कुछ नहीं है, 10 प्रकार के विषय ले लीजिए, दिव्य अदिव्य 10, और फिर ये 8 प्रकृतियां, ये हो गए 18। ये क्या है, तामिश्र है। तामिश्र का मतलब होता है द्वेष। तामिश्र पौराणिक नाम तामिश्र है, और ये दार्शनिक नाम द्वेष है। कहा कि तथा भवंत अंधतामिश्र, अंधतामिश्र का मतलब होता है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है मरण भय, मरण त्रास माने मरने का डर। कहा कि यह भी 18 प्रकार के होते हैं,
दस प्रकार के विषय और दस प्रकार के अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य, ये इस प्रकार के इसके भेद है। ये लगभग गिनेंगे तो ये 64 के आसपास होंगे, ये गिनेंगे तो। कहा कि इसके बाद अशक्ति बताते हैं, कहा कि अशक्तियां 28 प्रकार की होती हैं, 28 प्रकार की होती हैं। एकादश इंद्रिय बता, कहा कि शक्तियों अशक्तियों के दो भेद कर लेंगे, माने इंद्रियबद्ध और बुद्धिबद्ध। इंद्रिय 11 प्रकार के हैं, कहा कि 11 प्रकार की इंद्रियां कौन कौन सी हैं, देख लीजिए, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। एकादश इंद्रिय बधाह, इंद्रिय बधाह कहने का मतलब, कहा कि तत्तद इंद्रियों के खराब होने पर बुद्धि अपना काम करना बंद करेगी। कहा कि अगर आंख देखना बंद कर दे तो रूप के विषय में बुद्धि को ज्ञान नहीं होगा, कम होगा। स्पर्श करना बंद कर दे तो बुद्धि उसी तरह, हाथ पैर ये सब। 11 प्रकार के एकादश इंद्रिय बधाह बुद्धि बधई ही अशक्ति रुद्दिष्टा सप्तदश बधाह बुद्धिर, और 17 प्रकार के बुद्धिबद्ध है। कहा कि 17 प्रकार के जो बुद्धिबद्ध हैं उनको करना कुछ नहीं है। कहा कि 9 प्रकार के जो हम आगे बताएंगे तुष्टि, और 8 प्रकार की सिद्धियां, 9, 8, 17, ये 17 प्रकार के बुद्धिबद्ध है। कहा कि बुद्धिबद्ध माने डायरेक्ट बुद्धि जिससे प्रभावित होती है, और इंद्रियबद्ध ऐसे बुद्धिबद्ध हैं, यानी ऐसी बुद्धि काम माने इनडायरेक्टली बुद्धि को प्रभावित करते हैं। कहा कि एकादश इंद्रियबद्ध इनडायरेक्ट बुद्धि को प्रभावित करते हैं, और जो बुद्धिबद्ध हैं जो डायरेक्ट बुद्धि को प्रभावित करते हैं, इसलिए अशक्ति, अशक्ति माने असमर्थता, यानी हमारी बुद्धि असमर्थ 28 प्रकार से होती। कहा कि उसके बाद तुष्टि की चर्चा है, कहा कि तुष्टियों के दो भेद कर लेंगे, कहा कि आध्यात्मिक 4 प्रकार के हैं और बाह्य 5 प्रकार के हैं, माने विषयों से संबंधित होकर के 5 होंगे और आध्यात्मिक 4 है। आध्यात्मिक 4 कौन कौन से हैं, कहा कि प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, ये 4 प्रकार के आध्यात्मिक आंतरिक तुष्टियां हैं, और 5 विषयों को लेकर के हैं, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो विषय हैं उन विषयों के अर्जन रक्षण क्षय हिंसा, इस तरह करके। कहा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अर्जन करेंगे उसमें भी दुख है, उसकी रक्षा करेंगे उसमें भी दुख है, अर्जन रक्षण क्षय होगा तो भी दुख है, अर्जन रक्षण क्षय हिंसा। कहा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध का संग्रह करने में किसी न किसी की हिंसा करनी होगी, किसी न किसी का अधिकार मारना होगा, तो इस तरह करके दुख है, इसलिए हम ये सब नहीं करेंगे और संतुष्ट हो लेंगे। इसको कहते हैं पंच बाह्य तुष्टियां जो विषयों को लेकर के होती है। अब थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, प्रकृति तुष्टि क्या है, उपादान तुष्टि का क्या है, काल तुष्टि क्या है और भाग्य तुष्टि क्या है। कहा कि प्रकृति तुष्टि उसे कहते हैं, कहा कि प्रकृति को ही सब कुछ मान लेना और कहें कि हम प्रकृति के उपासक बन जाएंगे, हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इसको इससे संतुष्ट हो जाना, ये प्रकृति तुष्टि है। कहा कि उपादान, कहा कि गेरुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र धारण कर लेंगे, कमंडल धारण कर लेंगे और कहेंगे कि अब हमको मोक्ष होने से कोई नहीं रोक सकता। कहा कि उस तरह के आचार विचार हमने नहीं किया और केवल वस्त्र धारण कर लिया, उपादान का ग्रहण कर लिया और कह दिया कि हमको मोक्ष हो जाएगा। कहा कि काल, कहा कि चलो प्रकृति की उपासना से कुछ नहीं होता, किसी मठ मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता, यानी गेरुआ वस्त्र इत्यादि धारण करने से नहीं होगा, काल के अनुसार सब कुछ होता है, समय आएगा मोक्ष हो जाएगा, और ऐसा मान करके संतुष्ट हो जाना, ये कालाख्य तुष्टि है। कहा कि फिर भाग्याख्य तुष्टि क्या है, कहा कि
चलो काल से कुछ नहीं होता, भाग्य प्रकृति से कुछ नहीं होता, भाग्य में मोक्ष लिखा होगा हो जाएगा, भाग्य भरोसे ही सब कुछ समर्पित कर देना, ये भाग्याख्य तुष्टि है। ताकि इस प्रकार से पांच बाह्य विषयों को लेकर के और चार प्रकृति उपादान काल और भाग्य को लेकर के ये टोटल नौ प्रकार की तुष्टियां हैं। कहा कि सिद्धियां आठ प्रकार की होती हैं। ये सिद्धियां कौन कौन सी हैं? उह शब्दोध्ययन, दुखत्रय, दुख विघातत्रय और सुहृत प्राप्ति और दान। उह का मतलब होता है तर्क, शब्द, अध्ययन, तीन हो गए, और आध्यात्मिक दुखनाश, आधि भौतिक दुखनाश और आधि दैविक दुखनाश, छह हो गए, सुहृत प्राप्ति सातवां और दान आठवां। कहा कि इसमें इस सिद्धियों में दो विभाग कर दिया। कहा कि इसमें से मुख्य है तीन प्रकार के दुखों का नाश और गौण है ये पांच प्रकार के, ऊह शब्द अध्ययन सुहृत प्राप्ति और दान, ये गौण सिद्धियां हैं। कहा कि मुख्य सिद्धियां आध्यात्मिक दुखनाश, आधि भौतिक दुखनाश और आधि दैविक दुखनाश। वही चीज नीचे बता रहे हैं कि सिद्धे है पूर्वों कुशस्त्रिविधः, तीन प्रकार के ही मुख्य हैं और पांच प्रकार की गौण सिद्धियां हैं। कहा कि उह किसे कहते हैं? कहा कि व्याप्यारोपे व्यापकारोपस तर्क, तर्क मने उह। शब्द यानी श्रोत्र ग्राह्यो गुणो शब्द, ये शब्द। अध्ययनम, कहा कि किसी गुरु के पास जाकर के तरह तरह के शास्त्रों का अध्ययन करना, ये कहा कि अध्ययन है। कहा कि तीन प्रकार के दुखों का नाश हम बाद में बताएंगे। सुहृत प्राप्ति, जो पुराण आदि शास्त्र हैं वो सुहृत प्राप्ति के माध्यम से, सुहृत सम्मित के द्वारा, सुहृत सम्मित के द्वारा यानी भगवान विष्णु, भगवान शिव मित्र बन करके आते हैं और उपदेश देते हैं, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। दान का मतलब है किसी को हमने पैसा दिया और अध्ययन किया, तत्व ज्ञान किया, ये गौण सिद्धियां। कहा कि तीन प्रकार के दुख का नाश यानी आध्यात्मिक दुख नाश, तत्व ज्ञान किया आध्यात्मिक दुख का नाश कर लिया, तत्व ज्ञान किया अधिभौतिक दुख का नाश कर लिया, तत्व ज्ञान किया आधिदैविक दुख का नाश कर लिया, ये तीन प्रकार के दुखों का नाश होना यह मुख्य सिद्धियां हैं और वो गौण सिद्धियां। कहा कि इसके बाद मोक्ष का स्वरूप है। कहा कि मोक्ष के स्वरूप की हम चर्चा करेंगे, यद्यपि इसमें आपके सांख्यकारिका में नौ यूनिट थे और नौ यूनिट करके संपूर्ण सांख्यकारिका को लगाया है, हमने पाठ्यक्रम देखा भी था, और सब में अर्थ संग्रह या तर्क संग्रह या ये क्या कहते हैं वेदांत सार में टॉपिक रखा है, और इसमें भी टॉपिक जो किया है और टॉपिक का विभाजन करके इतने से इतना कारिका, इतने से इतना कारिका करके कर दिया है और संपूर्ण सांख्य कारिका को किया है, इसलिए हमने संपूर्ण सांख्य कारिका को बताने का प्रयास किया। यद्यपि समय नहीं है, कल हम प्रारंभ करेंगे, मोक्ष का स्वरूप आपको बता देंगे और मोक्ष के स्वरूप के बाद से फिर वेदांत सार का प्रारंभ करेंगे। मुश्किल से 10 मिनट के करीब में लगेगा मोक्ष का स्वरूप बताना। मोक्ष यद्यपि दो प्रकार के होते हैं और प्रत्यय सर्ग के अतिरिक्त भी मुख्य जो होगा वो सांख्यकारिका का हम 5-10 मिनट में बता करके फिर वेदांत सार को आरंभ करेंगे। अगर किसी को इन विषयों में जिज्ञासा हो तो वो निसंकोच पूछ सकता है या किसी को कहीं
पर ऐसा लगा हो कि हमको समझ में नहीं आया, फिर दोबारा से समझना चाहिए, तो वो पूछ सकता है। नमो नमः गुरुदेव। हाँ, नमो नमः सर। मैं कैवल्य पाद के बारे में इतना नहीं पढ़ा हूँ, इतना जानकारी नहीं है मुझे, पर सांख्य दर्शन जब भी मैं पढ़ी हूँ वहां पर कैवल्य पाद की चर्चा हुई है और आपने भी अभी कैवल्य पाद की चर्चा की है, तो सर मैं जानना। सुने, ये जो कैवल्य पाद जो आप कह रही हैं वो योग सूत्र का है। अच्छा। कैवल्य पाद की जो चर्चा है वो योग सूत्र में है, यह कैवल्य की चर्चा है। और कैवल्य के बारे में हमने बताया भी कि प्रत्यय सर्ग तक ही अभी पहुंच पाया हूँ। कैवल्य दो प्रकार के होते हैं, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। इन दोनों की चर्चा हम कल 10 मिनट पहले करेंगे, उसके बाद से वेदांत सार शुरू करेंगे। तो कैवल्य यानी प्रकृति पुरुष का वियोग होना ही कैवल्य है, यानी तत्व ज्ञान के माध्यम से प्रकृति अलग हो जाती है, पुरुष अलग हो जाती है, अलग हो जाता है, इसको कैवल्य कहते हैं। कैवल्य पाद जब हम कहेंगे तो डायरेक्ट योग सूत्र में जाएगा। जी सर। हाँ सर, और एक शंका थी जो आपने कहा शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है और उसके बाद पश्चात आपने क्या कहा वो थोड़ी सी हमने लिख नहीं पाए, समझ नहीं आया, वो कृपया पुनरावृत्ति कीजिए। देखिए, शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है। अब जैसे आगे बढ़ेंगे, शब्द से शब्द की उत्पत्ति के बाद से हमको वायु की उत्पत्ति करनी है, तो वायु की उत्पत्ति करने में केवल स्पर्श से वायु की उत्पत्ति होती है ऐसा नहीं करेंगे, उसमें कहेंगे शब्द सहित स्पर्श से वायु की उत्पत्ति होती है। इसीलिए वायु में शब्द और स्पर्श नामक गुण होते हैं। जब फिर इससे आगे बढ़ेंगे तेज की उत्पत्ति करने के लिए यानी अग्नि की उत्पत्ति करने के लिए, तो अग्नि की उत्पत्ति केवल तेज रूप से होता है ऐसा नहीं कहेंगे, शब्द स्पर्श सहित रूप से तेज की उत्पत्ति होती है। इसलिए तेज में शब्द स्पर्श रूप नामक गुण होते हैं। जब हम जल की उत्पत्ति करेंगे तो शब्द स्पर्श रूप सहित रस से जल की उत्पत्ति होती है, इसीलिए जल में शब्द स्पर्श रूप रस नामक गुण होते हैं। पृथ्वी की जब हमको उत्पत्ति करनी है तो वहां कहेंगे कि शब्द स्पर्श रूप रस सहित गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, इसलिए पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध नामक गुण होते हैं। अब समझ में आ जाएगा? जी सर। अब यहाँ एक चीज जरूर ध्यान देना है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध ही ये क्रम रखना है, अगर नहीं रखेंगे, अगर इधर उधर करेंगे तो फिर उत्पत्ति करने में, सांख्य की उत्पत्ति करने में परेशानी होगी। जी सर। सर, जल का कैसे उत्पत्ति होती है? शब्द स्पर्श रूप सहित रस से जल की उत्पत्ति होती है। नमस्ते गुरु जी। हाँ गुरु जी, सांख्य कार्य में जो 25 तत्व में जो पुरुष आया है वो पुरुष शब्द से जीवात्मा लेंगे या परमात्मा लेंगे, जो यहाँ पर जो चर्चा हुई है, जो सांख्य दर्शन में बताया गया है। हमने आज पाठ प्रारंभ करते हुए आपको बताया था, तो सांख्य दर्शन जो मानता है वो पुरुष को जीवात्मा और परमात्मा के रूप में अलग अलग नहीं बांटता, वो कहता है कि पुरुष एक तत्व है। वो ऐसा भी नहीं कहता कि वो जीवात्मा है, क्योंकि उसके स्वरूप का जो वर्णन करता है वो जीवात्मा तो कथम अपि नहीं है, क्योंकि शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप जीवात्मा का नहीं होता, पुरुष का स्वरूप है शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। और जीवात्मा ये जो पुरुष के अनेकत्व की सिद्धि कर रहे हैं उसमें जो कारण बता रहे हैं वो सारी जीवात्मा के बता रहे हैं जी। तो
तो वहां अज्ञान अवस्था में रहने वाले पुरुष के अनेकत्व का लक्षण बता रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन खुलकर के कहीं नहीं कह रहे हैं कि हम अज्ञान अवस्था वाले पुरुष का बता रहे हैं कि ज्ञान अवस्था वाले पुरुष का बता रहे हैं। वो डायरेक्ट कहते हैं कि पुरुष के अनेक 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 पुरुष जी। हाँ, यहाँ जीवात्मा और परमात्मा की चर्चा ही नहीं है, पुरुष एक ही है और उसी को जनन मरण व्यवस्था बैठाने के लिए अनेक मान लिया गया है। वह अनेक होने वाला पुरुष भी शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है और एक दिखने वाला पुरुष भी शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, वो जीवात्मा नहीं, वो प्रत्येक शरीर में रहने वाला पार्थिव अधिष्ठाता चेतन। गुरुजी और एक था, पुरुष कैसा है? आपने कहा ना प्रकृति ना प्रकृति पुरुषः, परंतु प्रकृति के बारे में क्या कहा आपने, वो थोड़ा समझ नहीं आया। प्रकृति प्रकरोति इति प्रकृति, ऐसा भी प्रधीयते अनेन इति प्रधानम जैसे बनाते हैं, प्रकरोति प्रकृष्टेन करोति, यानी प्रकृष्ट रूप से जो विश्व की उत्पत्ति करती है उसको प्रकृति कहते हैं। पुरुष का कहते हैं पुरुषेति इति पुरुषः, अब समझ में आ जाएगा जी सर। और सर आपने शरीर के बारे में कहा, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर आत्मा चेतन शरीर, वो थोड़ी चेतन शरीर नहीं है, चेतन शरीर नहीं है। शरीर में तीन पार्ट है, एक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर पंच महाभूतों से उत्पन्न है, पंच महाभूतों से आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से बना है, सूक्ष्म शरीर 18 प्रकार का समूह है, सांख्य दर्शन में 18 प्रकार में बुद्धि अहंकार मन 10 इंद्रियां माने 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके समूह का नाम है सूक्ष्म शरीर। आत्मा जो है, चेतन जो है, पुरुष है, वो शरीर नहीं है, वह इस जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को जो हम चेतन रूप में देख रहे हैं, हम आप बात कर रहे हैं, चेतनता का जो अनुभव हो रहा है वो सिर्फ चेतन बना रहा है। समझ में आ जाएगा जी सर। और कोई है, और कोई पूछने वाला है तो पूछ लीजिए। चंचल और प्रताप ही पूछते हैं, सभी लोगों को प्रतिभागिता करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगर किसी का कोई संदेह है तो पूछ सकते हैं सबसे। नहीं तो ठीक है, सर का अत्यंत सरल ही व्याख्यान है, आप बार बार सुनेंगे, बार बार आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो आप लोग सभी लोग आज की कक्षा में शामिल हुए, त्रिपाठी तिवारी जी ने अन्य अत्यंत ही सरलता से, सुबोधता से, सहजता से इस क्लिष्ट विषय का व्याख्यान किया है और बहुत कुछ बता दिया है। सांख्यकारिका पूरी हो जाती है, केवल कैवल्य जिसे मोक्ष कहते हैं वो बाकी है, वो कल वो कर देंगे, बताया है जैसा। उसके बाद वेदांत सार का आपका अध्ययन है और वो भी पूरा हो जाएगा, आप इसको बार बार पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, वीडियो भी मिल जाएगा। तो इसी के साथ तिवारी जी को हम आज की कक्षा के लिए आप सभी के पक्ष से, अपने पक्ष से, इग्नू के तरफ से धन्यवाद अर्पित करते हैं। आप लोग उपस्थित हुए, जितनी भी संख्या में उपस्थित हुए हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए संतोष का विषय है, इसलिए आप सभी को भी धन्यवाद देते हैं और सबको एक बार पुनः धन्यवाद और जय श्री राम। जय श्री राम सर।
जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम, नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो, नमो नमो, जी नमो नमो, नमो नमो।